डिसनेक्ट है तो क्यों है आपके दिमाग में आ रहा है मेरे दिमाग में आ रहा है, आ रहा है? आपके व्यूअर्स के दिमाग में आ रहा है मैंने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े थे जब आपने ये प्रमोट किया था क्वेश्चन ना. के नाम पे कुछ नहीं था एक्सपेंसिव था ये सब बिकॉज ऑफ दिज पॉलिसीज बिकॉज ऑफ एक डिविजन रह गया पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो ये पॉलिसीज रह गई यू नो ये इनर लाइन परमिट रह गया इंडियन सिविलाइजेशन तो इसी रूट से म्यांमार भी है मेरे को याद है uh,

नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर रमी देसाई जी एक ऑथर हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और एक स्कॉलर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के पंद्रह साल से भी ज़्यादा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पढ़ने में समझने में और जमीन पे जाके वहाँ के कल्चर हिस्ट्री और जो प्रॉब्लम्स है उनका जो रूट है उसे स्टडी करने में बिताए सो रमी जी के साथ आज का हमारा एक कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है और इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेके इतना कुछ है कि ये एपिसोड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेके आपके दिमाग को पूरी तरीके से भर के रख देगा और हाँ एपिसोड थोड़ा सा लंबा है एक दो दिन में इसका शॉर्ट वर्जन भी मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूँगा लेकिन रमी जी के साथ में जितना भी कन्वर्सेशन हुआ क्योंकि उस कन्वर्सेशन का एक एक शब्द वैल्यूएबल था इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग भी वो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन सुने हेडफोन लगाइए आराम से बैठिए और नॉर्थ ईस्ट को रमी जी की उन आंखों से समझिए जिन्होंने पिछले 15 साल से भी ज्यादा समय से नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट में जाकर समझाए नमस्ते रवि जी द ज्ञान जगत की शो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इनफैक्ट हमारे पहले गेस्ट बनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कैसी आप थैंक यू वेरी मच नमस्कार सौरभ जी थैंक यू फॉर हैविंग मी आपका फर्स्ट गेस्टलेज फॉर मी रवि जी नॉर्थ ईस्ट अगर हम लोग भारत के मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक 21 किलोमीटर का सकरा रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है उसे चिकन नेक कहा जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी एक तरह से चिकन नेक की हैं आप <laughs> ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया का जर्नलिज्म है उसे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का काम करती हैं लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ और क्यों आपके अंदर नॉर्थ ईस्ट को लेकर इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ सो so, सौरभ जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे को कहने दीजिए कि एम नॉट अ जर्नलिस्ट मेरा ज़्यादा शौक़ रिसर्च में है एंड नॉर्थ ईस्ट में मेरा शौक रहा है शुरू से बचपन से आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा इंटरेस्ट कैसे आया मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था ये दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ़ यू नो बचपन में जब यू नो आपके आस पास किताबें होती हैं चर्चा होती है ऐसे एटमोसफियर में अगर आप यू लकी इनफ टू ग्रो आप तो क्वेश्चन पूछने में आपको इंटरेस्ट रहता है तो मेरे को ऑलवेज़ मेरे दिमाग में क्वेश्चन रहता था कि हम इंडिया की बात करते हैं हम यू नो चेन्नई भी हमें मैंटली हमारे क्लोज़ टू लगता है यू नो बॉम्बे भी क्लोज लगता है इवन यू नो उड़ीसा जैसा स्टेट हमारे इमेजिनेशन में था मगर जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते थे और जब मैं छोटी थी वो हमारे इमेजिनेशन में दूर लगता था कि बहुत दूर है बहुत अलग है कोई वहाँ छुट्टियों के लिए नहीं जाता था जब हम छोटे होते थे बॉम्बे लोग छुट्टियों के लिए जाते थे चेन्नई छुट्टियों के लिए बैंगलोर बट नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं जाता था तो जब कॉलेज जाने का टाइम आया आई स्टार्ट कि ये जो मेरे इंटरेस्ट हैं ये जो यू you नो know, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं कि यू you नो know, ये सर्टन uh, रीजन्स क्यों हमारे से अलग है इंडिया का सिविलाइजेशनल लैंडस्केप इतना बड़ा है मगर फिर भी उसमें फॉल्ट लाइन्स है क्यों हैं कैसे बने ट्राइबल uh, पॉपुलेशन में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हैं आई स्टार्ट थिंकिंग कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ और ये एक्चुअली बाई चांस हुआ क्योंकि आपको तो पता ही यह इंडिया में अगर आप साइंस में जाते हो तो कॉमर्स में जाते हो तो यू you नो know, ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे हो अगर सोशल में जाते हो तो लगता है जैसे यू नो लोग पे वही एग्जैक्टली exactly. मतलब जब मैं आ, मेरा जब टेंथ कंप्लीट हुआ तो लिटरली सिर्फ तीन ही ऑप्शन थे मेरे पास आर्ट्स लेना है कॉमर्स लेना है साइंस लेना है करेक्ट और आर्ट्स यूजुअली वही बच्चे लेते थे जिनको कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिला कि साइंस में एडमिशन नहीं मिला या तो पेरेंट्स बड़े लिबरल हैं कि आपको आर्ट्स करने दिया ऐसा माहौल होता था लकली मेरे घर में ऐसा नहीं था सो दे से वट यू वॉन्ट टू स्टडी तो आई वॉज़ गोइंग टू इंग्लैंड टू स्टडी एंड मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे सब्जेक्ट्स देखे एंड आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल थियोलॉजी तो बड़ी हंसी की बात होती थी क्योंकि जब मैं वापस आती थी छुट्टियों के लिए कॉलेज से तो लोग पूछते थे क्या पढ़ रहे हो और मैं कहती थी थियोलॉजी कहते ये थियोलॉजी क्या है ये जुअलॉजी है क्या तो थियोलॉजी वॉज तो... You know, okay. uh, you know, ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे से इतने अलग क्यों लगते मगर ये भी हमें पता था की नॉर्थ ईस्ट में क्रिस्टनिटी ज्यादा है okay. समहा

देर इज़ इन्फ्लुंस ऑफ क्रिशानिटी या गोवा में वैसे नॉर्थ ईस्ट में भी था मगर क्वेश्चन मेरे दिमाग पर यह था कि वाई हाउ डिड इट कम वट वर द इंडिजिनस रिलीजस फेथ्स यू नो क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि क्रिस्टानिटी शुरू से था यू नो वहाँ कुछ और भी रहा होएगा वो क्या था उसके बाद हाउ डिड दिस कन्वर्जन हैपन इसका इन्फ्लुंस सोसाइटी पर क्या हुआ ये चिकन स्नै जिसके बारे में आपने बात किया जो मोस्ट रिडिकुलस इल थॉट आउट जोग्राफिकल मार्स है ट्वेंटी टू किलोमीटर्स का जो द इंटायर मेन लैंड को जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अपना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है ऑन द कंट्री उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि बाईस किलोमीटर का लैंड मार्क्स यू नो डिज़ाइन करने का क्या ही मतलब है यू नो ये जोग्राफिकली गलत है साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट हुआ है तो ये सब क्वेश्चन देखते हुए आई गॉट इंटरेस्टेड इन क्रिश्चियन थियोलॉजी और यू you नो know, वहाँ सब्जेक्ट भी था थियोलॉजी वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ कोर्स यू नो एंड क्रिश्चियन थियोलॉजी में दो स्ट्रेनस थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे वन वॉज कॉल्ड लिबरेशन थियोलॉजी एंड वन वॉज कॉल्ड ब्लैक थियोलॉजी लिबरेशन थियोलॉजी मतलब आपको हम लिबरेट कर रहे हैं गरीबी से ये ज़्यादातर लैटिन अमेरिका में uh, ये टेक्निक स्ट्रैटीज़ ये वहाँ अप्लाई हुई थी बी टीचर्स द्वारा मिशनरीज हाँ मिशनरीज द्वारा कलोनियलिस्ट द्वारा सो खाली ब्रिटिशर्स कलोनियलिस्ट तो नहीं थे पॉर्चुग भी थी स्पेनिश भी थे यू नो hmm. you know, तो सब अपने साथ मिशनरीज ले गए थे अब ये एरियाज में यूजुअली ट्राइबल पॉपुलेशंस होती थी ट्राइबल पॉपुलेशंस को uh, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए कैसे हाउ डू वी टीच द वर्ड ऑफ द बाइबल क्रिश्चैनिटी कैसे वहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए इसके लिए सर्टन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटीस थी और इसको लिबरेशन थियोलॉजी बोला जाता था जो लैटिन अमेरिका में अप्लाई हुआ okay. जो अफ्रीका में हुआ उसे ब्लैक थियोलॉजी बोला जाता था यू नो जिसमें जिसमें मदर मैरी कोजेंटेड एज अ ब्लैक वोमेन यू नो अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा इससे रिलेटेड कुछ और ये हमने साउथ इंडिया में भी देखा है यू hmm. नो you know, hmm. कि थोड़े रेफरेंस पॉइंट्स ये ऐसे इंट्रोड्यूस uh, किए जाते हैं ताकि आपके माइंड में एक फेमिलियरिटी पैदा हो आपको लगे कि हाँ ये पहचाना सा लग रहा है एकदम हमारे लिए अलग ना है सो so, तो, ये कोई रेंडम इवेंट नहीं है, एक well है पुरा का पुरा। okay. इसके ऊपर सब्जेक्ट्स है ये मैं ये इसके ऊपर मैंने टाइम स्पेंड किया तीन साल पढ़ाई की यू you नो know, ये दीज आर कम्प्लीट सब्जेक्ट्स एंड इसमें इनके स्टॉल हैं जो यू you नो know, ये सब्जेक्ट्स के फादर uh, फिगर्स थे यू you नो know, जिनने इन सब्जेक्ट्स को शेप दिया तो ये बड़े डीप सब्जेक्ट्स हैं ये आप यू you नो know, आप डिग्री कर सकते हो इनमें यू you नो know, आप इनमें मास्टर्स कर सकते हो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ थियोलॉजी क्रिश्चियन थियोलॉजी तो uh, ये मैंने जब पढ़ना चालू किया एंड आई एम ग्लैड आई चोज़ दिस सब्जेक्ट क्योंकि uh, ये सब्जेक्ट से मेरे को पता चला कि लिब्रेशन थियोलॉजी जैसी कोई चीज़ है या ब्लैक थियोलॉजी जैसी कोई चीज़ है कि आपने ये <laughs> किया। पता है है मतलब क्योंकि हमारे हमारे इतना इतना जाके 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 हम हम लोग कोई कोई नहीं नहीं पढ़ रहा है। Honestly, जाके कोई भी नहीं पढ़ भी रहा लोगों को वही रटा रटाया और वही एक धर्रे पे जो चलते आ रहे हैं सालों से वही चल रहा है ये एक बहुत मगर, अलग मगर मैं आपको बता वहां भी कोई नहीं पढ़ रहा है यू you नो know, उसमें से एक बुद्धिस्ट मंग था यू नो लेटर मास्टर्स में मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलिजन किया hmm. तो थोड़ा मैंने वाइडन कर दिया ये एंथ्रोपोलॉजी uh, ये क्या ये क्या चीज़ है ये मैंने पहली बार सुना okay. शब्द एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कल्चर सोसाइटीज कैसे सोसाइटीज डेवलप होती है उनका कल्चर क्या है ट्रेडिशन क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क क्या है हर कम्यूनिटी uh, में कल्चर में Uh, कई बातें होती हैं जो बड़ी यूनिक होती हैं कई बातें होती हैं जो सिमिलर होती हैं यू नो बट टू बी एबल टू ऑब्जर्व इट सो एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट है नहीं एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ फेली न्यू सब्जेक्ट यू बी सरप्राइज कि एंथ्रोपोलॉजी वॉज ऑलमोस्ट क्रिएटेड फॉर द कलोनियलिस्ट सो कलोनियलिस्ट जब नए नए जगह जाते थे वो नए नए देश जाते थे कॉलोनाइज uh, करने के hmm. लिए दैट वॉज द एजेंडा कॉलोनाइज करने के लिए भी यू नीड ऑफ़ फाउंडेशन यू नो हम सोचते हैं अरेड इट वॉज बेस्ड ऑन मेनिपुलेशन नहीं ये जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें सिस्टमेटिकली बताया गया है कि किस तरीके से uh, uh, करता है किस तरीके से नहीं नहीं इट्स नॉट सिस्टमैटिक लाइक

अदर सब्जेक्ट्स एंथ्रोपोलॉजी का एंड फॉर uh, जब वो यहाँ आए इंडिया में भी नहीं एनी वेयर एल्स ऑल्सो जहाँ जहाँ वो गए वो वो फ्रेमवर्क्स जो उनने सीखे हैं एंथ्रोपोलॉजी में अपने सब्जेक्ट में वो फ्रेमवर्क से दूसरे कम्यूनिटीज़ को जज या स्टडी करते थे और ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी बात है क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट बना रहे हो hmm. ये सब्जेक्ट बनाया गया लाइक अदर सब्जेक्ट इज अ न्यू अलोनियल सब्जेक्ट जब आप सब्जेक्ट बना रहे हो आप कैसे बना रहे हो स्पेशली जब आप किसी और सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हो hmm. आप अपने आप को कंपेरिटिव पॉइंट बना के ये सब्जेक्ट बना रहे हो तो जब आई सी एस एक सिविल uh, सर्वेंट आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट आता है इंडिया अगर वो किसी कम्युनिटी को स्टडी कर रहा है hmm. वो कम्युनिटी को स्टडी कर रहा है इन द सेंस ऑफ Let's say, उसकी मोरलिटी कितनी उसका मतलब खुद के जो मापदंड है हाँ, ना उनपे सामने वाली पार्टी को आंकने के लिए आ, सामने वाली पार्टी के इन देंस की इन ट्राइबल पॉपुलेशन को आंकने के लिए ये पूरा का पूरा करेक्ट एंड नॉट जस्ट ट्राइबल मतलब एनी पॉपुलेशन यू नो दे स्टडी हिंदू कम्युनिटी को भी सेम ही तो वो तो व्हाइट वो तो सुप्रीम हाँ। है ना वो तो व्हाइट सुप्रीमेसी वाले लोग हैं ना करे तो उनके आगे so सभी कोई भी कोई भी कम्युनिटी कहीं भी जाते थे hmm. इनके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी था वैसे अगर आप देखा जाए उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर मैं भी कहीं जाऊंगी मेरे को भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि सोसाइटी कैसे काम करती है कल्चर कैसे काम करता है इनके रूल्स रेगुलेशन क्या है इनकी एथिक्स मोरालिटी क्या है जब मैं समझ पाऊंगी तभी मैं उनके रिचुअल्स उनकी एवोल्यूशन uh, समझ पाऊंगी uh, कोई भी काम करने के लिए आपको भी पूरा केस स्टडी करना hmm. पड़ता है सो hmm. so, ये एक टूल था केस स्टडी समझने के लिए यू नो you know, मगर क्या हुआ कि क्योंकि इनने ही बनाया था ये सब्जेक्ट hmm. हर पॉइंट ऑफ रेफरेंस बिकेम द वेस्टर्न सोसाइटी यू नो अब ये वेस्टर्न सोसाइटी का भी मतलब क्या है जब हम कहते हैं वेस्टर्न सोसाइटी मतलब खाली वेस्ट की नहीं वेस्टर्न सोसाइटी जो क्रिश्चियन वैल्यूज में रूटेड है okay. आ, तो जैसे क्रिश्चियन वैल्यूज़ क्या होते हैं कि क्रिश्चियन मोरालिटी क्या है क्रिश्चियन वैल्यू क्रिश्चियन सेंस ऑफ राइट और क्या है, hmm. तो कंपैरिज़न पॉइंट ही हो गया हाँ क्योंकि और ये सारे कॉन्सेप्ट तो अभी अभी आए हैं मुश्किल से पचास साठ सत्तर साल पकड़ लो बट कोलोनिज्म तो दो सौ तीन सो साल से चालू हो गया तो उस वक्त तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी हुआ करती थी Correct. इस वजह से ये वो क्रिश्चियनिटी में रूटेड है करेक्ट क्रिश्चियनिटी में रूटेड है क्योंकि जो लोग आ रहे थे कॉलोनाइज mm -hmm. करने को वो लोग क्रिश्चियंस थे क्रिश्चियंस थे हाँ वो भी सी बात है उसमें एंड उनका मॉरल रूटिंग इज इन द रिलीजन रिलीजन यू नो तो देफोर जब वो किसी और कम्युनिटी को देख रहे हैं यू नो वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उनका ड्रेस सेंस अलग था mm -hmm. हाँ वो कई कम्युनिटीज में लेट्स से अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटीज में गए hmm. उनको तो शौक लगता था कहते थे ये तो अपने आप को ढकते नहीं है यू hmm. नो you know, ये तो अनसिविलाइज्ड है क्योंकि इनके लिए सिविलाइज था ये, ये अपना तौर तरीका ये एग्जैक्टली exactly, मेरे को ये ये मेरे को बहुत अजीब लगता है अनसिविलाइज तो ये अगर अनसिविलाइज्ड तो सिविलाइज्ड कौन है और किस 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 मापदंड पे हम लोग सिविलाइजेशन डिसाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल यू नो इसलिए कमिंग बैक टू सब्जेक्ट्स लाइक दिस एंथ्रोपोलॉजी हुआ सोशोलॉजी हुआ यू you नो know, ये सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं टू बी एबल टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कि ये सब आजकल जो हमारे फैंसी वर्ड्स हैं सब सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं यू नो सब कलोनियलिज़म डीकोलोनाइजेशन इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं मगर अगर आपके पास फ्रेमवर्क नहीं हो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं हो इसमें वो आप फ्रेमवर्क नहीं तोड़ पाओगे यू hmm. नो you know, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक फ्रेमवर्क होता है अब यहाँ मेरे एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो आपने मुझे बताया ये सब ब्रिटिशर्स ने शुरू किया hmm. स्टडी करने के लिए hmm. ट्राइबल पॉपुलेशन को hmm. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ तो so, देखिए सब चीज़ को ना एक ही रंग में पेंट करना भी सही नहीं होएगा काफ़ी लोग थे वो वेरी फैसिनेटेड यू नो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनते थे hmm. क्योंकि उनको बड़ी फैसिनेशन थी कि hmm. 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 हम नए कल्चर्स सीखें हम नए लोग देखें हम वी गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू नए यू नो कल्चर्स दैट वी इनकाउंटर थ्रू कलोनियलिज्म तो ऐसे बहुत सारे लोग भी थे यू नो दे एक्चुअल एकेडेमिक्स यू नो जो एक्चुअली सोसाइटी पढ़ना चाहते थे और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते थे कि ये गलत है ये सही है तो so, ऐसे भी लोग थे मगर ऑब्वियसली कॉलोनाइजेशन का एक एजेंडा था hmm. वो एजेंडा पूरा करने के लिए आपको प्रूव करने की ज़रूरत थी कि ये पॉपुलेशन्स को हमें कॉलोनाइज़ करने की ज़रूरत है टू गिव दैम एक मॉरल अपलिफ्टमेंट तो जैसे काफ़ी सारे मैं अकाइवल स्टडीज़ करती हूँ काफ़ी अकाइव से मैं यू नो कॉरिस्पोंडेंस निकालती हूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी चिट्ठियाँ वापस जाती थी कहते थे कि नहीं यू you नो know, ये बेचारे लोग इनके पास तो भगवान नहीं है इनके पास सिविलाइजेशन uh, नहीं है सिविलाइजेशन का मतलब अगेन लाइक आई सेड क्रिश्चियन सिविलाइजेशन मगर आल्सो अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन को हम सिविलाइजेशन मॉडर्निटी मानते हैं यू okay. नो you know, कि इनके पास uh, जैसे रहन सहन का तरीका जैसे हम यू you नो know, शहरों में हमारे पास होता है इनके पास नहीं है अभी आपने ये बात बोली हम मानते हैं तो यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मानते हैं या ब्रिटिशर्स मानते थे और अब हम मानते हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं या फिर ये एक्चुअल होना चाहिए देखिए यू नो अगर हम बिल्कुल एंशंट टाइम्स में जाए तो चीजें बड़ी अलग थी यू नो you know, एक लेंस होता था लेंस जिस दृष्टि से हम चीजों को देखते हैं उस टाइम पे होता था विच वॉज उसमें ये डिविजन नहीं थी फॉल्ट लाइन्स नहीं थी ठीक है अपने तरीके की फॉल्ट लाइन्स हुई होगी मगर ऐसे फॉल्ट लाइन नहीं थे कि ये सिविलाइज है ये अनसिविलाइज है हर वे ऑफ लाइफ के लिए एक रिस्पेक्ट था अप्रिशिएट किया जाता था अप्रिशिएट ठीक है वो आपका अगर आप ऐसा रहना चाहते हो तो दैट इज़ योर योर चॉइस चॉइस यू नो और चॉइस की भी बात नहीं है अगर आप देखोगे अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात करें बहुत ही ज़्यादा हाईली इवॉल्व कम्युनिटीज हैं यू नो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हैं अपने गवर्नेंस अच्छा? हाँ, की फ्रेमवर्क है कि कैसे गवर्न करेंगी कम्युनिटी को एक कम्युनिटी में ब्रदरहुड है okay. सिस्टरहुड है यू you नो know, की कम्युनिटी कनेक्शन है रूल्स um, है you know? नहीं तो इन्होंने अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप कर रखे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज ने ऑफ कोर्स जैसे तो जैसे हमने अपने किए तो फिर कैसे हम लोग इनको अनसिविलाइज कह रहे हैं हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे और उनके बीच में इतना गैप पैदा हो गया है क्योंकि जैसे मैंने कहा इसे स्टेप बाय स्टेप है ना समझने की ज़रूरत है एक तो है कि आ, अगर हम एंशंट इंडिया में वापस जाएं mm. हाँ और मैंने काफ़ी स्क्रिप्चर्स को कल किया है और मैंने काफ़ी रेफरेंसेस निकाले हैं आप देखोगे कि जो भी वे ऑफ लाइफ है चाहे कुछ भी हो यू you नो know, खाली ट्राइबल नॉन ट्राइबल का नहीं है एनी वे ऑफ लाइफ हमारे तो सिविलाइजेशन में यू कैन बी आल्सो एंड यू एक्सेप्टेड यू नो सो यू कैन बी एन एथिस्ट यू एक्सेप्टेड यू नो तो एवरी थिंग एक्सेप्टेड इतना यू नो देर वॉज दैट काइंड ऑफ स्पेस की यू you नो know, जो भी आपके व्यवस हैं आपके थाट्स हैं आपका, आपका सेंटिमेंट है देर इज़ स्पेस फॉर इट वैसे ट्राइबल नॉन ट्राइबल में भी आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको इतने ट्राइबल uh, रेफरेंसेस मिलेंगे जैसे मैं आपसे बात कर रही थी जैसे हुँ, गुहा यू नो you know, गुहा नाव बनाता है भगवान राम के लिए और जब वो नाव बनाता है और भगवान राम को देता है तो कहता है कि आप ही मेरे भगवान हो you know, हुँ, हुँ, पड़ा हुआ यू नो एंड ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं एकलव्य कौन था करेक्ट यू नो तो निषाद होते थे अलग अलग नाम होते थे उनको इक्वल स्टेटस दिया जाता था उनके राजा होते थे वो सर्टेन एरियाज गवर्न करते थे कई लोग होते थे कई ट्राइब ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी जो पानी के पास रहती थी कई होती थी जो वनवासी होती थी यू नो you know, तो ये अगर आप पढ़ोगे आप देखोगे इनको कोई यूनिक दर्जा नहीं दिया है कि हमारे से अलग है मैं करीबन थोड़े समय पहले चित्तूर घूमने गया था मैंने सोचा था महाराणा प्रताप की लाइफ तीन दिन के लिए जी क्या तो मैं सब जगह गया तो वहाँ एक हल्दी घाटी की जो जगह है वहाँ म्यूजियम है वहाँ पे पूरी स्टोरी वो बता रहे थे वहाँ मुझे बताया गया कि भीलों ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया सो तो ये तो इस वक्त भी था और महाराणा प्रताप के वक्त भी इक्वल ही मतलब महाराणा प्रताप को इनफैक्ट ढीलों को कन्वेंस करना पड़ा कि उनके लिए वो लड़ें इक्वल so, थे उस वक्त तक भी करेक्ट और ये कहीं ना कहीं बीच में ये गैप आ गया अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट कभी आप जाओगे तो देखोगे अरुणाचल में सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो मानते हैं कि रुक्मणी के वो डिसेंडेंट्स हैं कि कृष्ण भगवान वहाँ आए थे रुक्मणी को लेने को अगर आप मणिपुर जाओगे तो कहते हैं चित्रन गदा वहाँ की थी अर्जुन ने मणिपुर आके चित्रन गदा से शादी की आई थिंक अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल की शादी हुई थी तो उनकी शादी हुई थी उनके इनवाइट में क्या लिखा था फ्रॉम द लैंड ऑफ अर्जुन एंड चित्रन गथा ओके वही मानते हैं आप कहीं भी जाइए ऐसी भी एक ट्राइब है जो मानती है कि वो वल्ली के डिसेंडेंट्स हैं नो तो ऐसे बहुत सारे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे यू नो आप अरुणाचल में जाओ परशुराम कुंडे आप आसाम में जाओ कमाख्या माता जी का टेम्पल है आप त्रिपुरा जाओ त्रिपुरा सुंदरी है यू नो सो आप दीमापुर यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ जो नागालैंड में है वो कहते हैं दैट कम्स फ्रॉम हिडिंबा घटोट का राज्य होता था वहाँ अभी भी आप जाओगे एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ चेस बोर्ड होता है ना वो जायंट साइज पे चेस बोर्ड बनाया क्योंकि कहते थे घटोट कच वो जाइन्ट्स भीम वहाँ तक गए थे तो ऐसे इतने रेफरेंसेस हैं यहाँ मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि जब इतने सारे रेफरेंसेस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं तो फिर क्यों हम लोग इतना ज़्यादा डिसकनेक्ट फील करते हैं देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि ये जो हम सब्जेक्ट्स आज तक पढ़ते हैं ये ब्रिटिश क्रिएटेड सब्जेक्ट्स हैं ये कोई सब्जेक्ट हमने नहीं बनाया है okay. एंथ्रोकोलॉजी हमने नहीं बनाया है hmm. सोशियोलॉजी हमने नहीं बनाया है hmm. जिनको हम पढ़ते हैं जो फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं यू you नो know, वो सब कलोनियल uh, फ्रेमवर्क्स हैं यू you नो know, तो जब तक हम उन्हीं फ्रेमवर्क से पढ़ते रहें अप, अपने फ्रेमवर्क्स नहीं बनाएँ अपने सब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करें हम अपने आप को किसी और के नज़र से देखते रहेंगे एंड mm -hmm. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जैसे मैं आई ऑफन से दिस कि मैं मैथमेटिक्स या फिज़िक्स में मैं नहीं कमेंट कर सकती हूँ कि मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ मैं फिजिसट नहीं हूँ वैसे ही हमें सोशल साइंसेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि सोशल साइंसेस ही हैं जो आपके माइंड में जो हमारे आइडियाज़ होते हैं सोसाइटी के बारे में सिविलाइजेशन के बारे में कल्चर uh, के बारे में रिलीजन के बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल पॉइंट्स ऑफ डिबेट हैं मगर हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास लोग नहीं हैं जो ये बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं या तो सी ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एक्डेमिक्स मैं एकेडमिक हूँ नहीं यू नो अ रिसर्चर मैं पॉलिसी स्पेस में वो ग्रे एरिया में मैं काम करती हूँ बट नॉर्थ ईस्ट के ऊपर मैं पंद्रह साल से काम कर रही हूँ मैं ये आपको बता सकती हूँ कि एकेडेमिया में भी है ना आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि आप पंद्रह पंद्रह साल आप फील्ड वर्क में स्पेंड करिए यू नो क्योंकि आप एक सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो आपको सिलेबस ख़त्म करना है यू नो यू नीड टाइम यू नीड डेडिकेशन यू नो तो हमारे पास वो सिस्टम्स नहीं हैं जहाँ हम लोगों को ये फाउंडेशन दे पाए यू you नो know, हम रिसर्चर्स को हम रिसर्चर्स को हम ये फ़ाउंडेशन नहीं दे पाते यू you नो know, हम हमें लगता है सोशल साइंसेस यू नो कोई भी कर सकता है कोई भी इसके ऊपर कमेंट करता है यू you नो know, कि आ, अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है तो मतलब ठीक है ठीक है छः महीने में एक साल में आप करके ख़त्म करिए ऐसे नहीं होता है यू you नो know, ये बड़े कॉम्प्लेक्स एरियाज़ हैं इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है mm -hmm. दूसरे भी एरियाज़ यू नो अराउंड द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड ये सोसाइटी कल्चर सिविलाइजेशन रिलीजन ये ऐसी चीज़ें होती हैं ये हर आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में ये मायने रखता है मगर इसके ऊपर हम सबसे कम काम करते हैं यू नो तो आई थिंक वन ऑफ़ द रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे पास सब्जेक्ट सेम है और जो हमारे जो ग्रेट uh, इनके ऊपर जो एक्चुअली ग्रेट थ हैं उनको हम जानते भी नहीं हैं द बिगर प्रॉब्लम इज दैट किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए वी नीड द सोशल साइंसेज और हम सोशल साइंसिस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं सबसे कम स्कॉलरशिप्स आपको वहीं मिलेंगे सबसे कम uh, लोग जिस यू you नो know, जो रिसर्च में टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो सोशल साइंसिस में ही कर रहे हैं यू नो तो आई थिंक वी हैव टू टेक सोशल साइंस मोस्ट सीरियसली ये ऐसा नहीं है कि हमें कॉमर्स uh, और साइंसिस में एडमिशन नहीं मिला तो हम सोशल नहीं हमारे इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए इंटरेस्ट की बात होनी हाँ, चाहिए एंड अगर हमको लगता है नेशन बिल्डिंग यू नो you know, और इसमें मेरे करियर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होनी चाहिए ना सिर्फ बंदा जाएगा ना अरे बिल्कुल सही बात बोली कि इसमें हमारे पास आ, इतने आ, हाई पेइंग जॉब्स नहीं है लोगों नहीं। को लगता है कि हम एकेडेमिया में जा सकते हैं जो ज्यादा लोगों का शौक नहीं होता है यू नो कई लोगों को लगता है कि हम पॉलिसी स्पेस में जा सकते हैं मगर हमारे देश में जिसको हम थिंक टैंक कहते हैं जो पॉलिसी स्पेस में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं ऑनेस्टली मैंने थिंक टैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड देखे हैं हमारे से फार सुपीरियर हैं यू नो उनको फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है एक्चुअल hmm. स्पेशलिस्ट होते हैं uh, अभी मैं रिसेंटली जापान गई थी जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं काफ़ी उनके टॉप थिंक टैंक्स के साथ इंटरेक्ट करूँ पंद्रह पंद्रह फ्लोर के बिल्डिंग्स हैं hmm. हर एक फ्लोर एक कंट्री के ऊपर डेडिकेटेड है तो आप सोचो क्या होता इन्वेस्ट कर रखा है उन लोगों ने थिंक टैंक और ऐसा नहीं है कि एक थिंक टैंक है है हर मेजर जो है, जैसे काजीमा हुआ काजीमा का अपना, okay. का 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 अपना तो रिसर्चर्स hmm. you know, तो, uh, जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं अगर मैं एक आम इंसान की भाषा में आम भारतीय की भाषा में कहूँ तो थिंक टैंक बनाना तो दूर की बात पिछले सत्तर सालों में हम लोग हमारे पर्सपेक्टिव से हमारे लोगों को देखने के लिए अपनी खुद की किताब भी नहीं लिख सके ये भी एक एंथ्रोपोलॉजी और ये सब भी हम लोग किताबें हम लोगों ने फॉरेन की इंपोर्ट करके उन्हीं के चश्मे से आज भी हम लोग हमारे लोगों को देख रहे हैं देखिए काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ होंगे कि मैं ये बोलती हूँ काफ़ी लोग मेरे से डिसग्री करेंगे मगर ये हमारा अगली ट्रूथ है एंथ्रोपोलॉजी हमारा सब्जेक्ट नहीं है सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट नहीं है okay. ये कहीं और बनाए गए सब्जेक्ट्स हैं जिनके फाउंडिंग फादर्स कहीं और के थे उनके लेंसेज अलग हैं ठीक है हमारे भी बहुत ग्रेट थियर हुए हैं जैसे बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के जिनको मैं बहुत कोट करती हूँ जी एस इतना बढ़िया लिखा था उनने यू नो ही इज़ कंसिडर्ड

मगर गुरुकुल्स, गुरुकुल्स थे, गुरुकुल्स थे और उसमें कितना होलिस्टिक वो होता था देखिए हर सिस्टम हर सोसाइटी के लिए सूटेड होता है क्योंकि वो सिस्टम उस सोसाइटी से निकलता है यू नो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम्स रिप्लेस हो गए यू नो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ़ एजुकेशन सिस्टम आ गया है जो हमारे सोसाइटी के लिए में बी ऐप नहीं है या तो ऐप्ट है मगर हमें उसे इवॉल्व करने की ज़रूरत है जिसके ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया यहाँ मेरे एक मेरे मन में एक सवाल आया और मेरी बिल्कुल इच्छा है आपसे पूछते कि आप सिर्फ अपने प्रस्पेक्टिव से आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने हमारे यहाँ से पैसा लूटा वो सब छोड़ देते है ना ये जो कल्चर थिंकिंग ये सब ये जो एरिया है आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स के आने से पहले और जाने के बाद हम लोगों ने गेन किया या लूज़ किया मैं दोनों तरीके से देखूंगी आई डोंट थिंक गेन या लूज की बात है इट्स टॉटस अ लॉट अबाउट आर सेल्फ यू नो एंड हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हम क्या लाइफ में हम वट आर च्वाइस हम क्या चूज़ करना चाहते हैं यू नो हर चीज़ ब्रिटिश के ऊपर कलोनियलिज़म के ऊपर ब्लेम करना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर पॉलिटाइंस नहीं होते तो कलोनियल नहीं आ पाते यू you नो know, मगर ऐसे फॉल्ट लाइन मैनिपुलेट किए गए थे जो ऑलरेडी थे कई फॉल्ट लाइन्स थे जो बनाए गए थे जो हमने एक्सेप्ट कर लिए फिर हमने कभी चेंज नहीं किए यू नो सो इंडिपेंडेंस के बाद भी नॉर्थ ईस्ट की बात ले लीजिए हम कहते हैं कि कलोनियल के साथ मिशनरीज आए बिल्कुल सही बात hmm. है मिशनरीज आए मगर नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी कन्वर्जन कब हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट नाइनटीन फिफ्टी सबसे बड़े चंग्स ऑफ कन्वर्जन येस इंट्रोड्यूस मिशनरीज़ को इंट्रोड्यूस ब्रिटिश ने किया था और वापस इसी बेसिस पे एक चिट्ठी मैंने देखी थी जब वन ऑफ द पोलिटिकल एजेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट में भेजे गए थे उनने लिखा टू द सेक्रटरी ऑफ द गवर्मेंट कहते हुए कि यू नो यहाँ ऐसे लोगों के साथ में यू नो इनकाउंटर मेरे हो रहे हैं जो कम्प्लीटली वाइल्ड हैं और हमने ये चिट्ठी में लिखा है दिस इज़ दिस प्रॉपर प्रूफ ऑफ इट सो सर हमने एक हम स्ट्रैटेजी में गलती कर रहे हैं हम इंडिया में हम मिडिल क्लासेस को हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको भी बड़ी दिक्कत हुई थी टू कन्वर्ट ऐसा नहीं था कि वो आए और कन्वर्ट कर दिया नहीं रेजिस्टेंस पूरा था और रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊँ यही नहीं वहाँ भी था तो देर वॉज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश पीपल जो कह रहे थे यार ऐसे बाहर जाके लोगों की लाइफ में सोसाइटी में कम्युनिटी में रिलीजियस बिलीव्स में इंटरफेयर करना ठीक नहीं है और वो गवर्नमेंट के कलोनियलिज़म के पॉलिसीज के अगेंस्ट है हाँ तो गवर्नमेंट uh, को भी uh, बड़ा केयरफुल गेम खेलना पड़ता था hmm. तो दिस जेंटलमैन रोट अ लेटर ही सेड सेक्रेटरी साहब ये हम स्ट्रेटी हमारी गलत है मैं तो नॉर्थ ईस्ट पहुँचा हूँ नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल इनके पास ना तो भगवान है ना तो कल्चर है ना तो कुछ भी है पेगन्स हैं बारबेरिक हैं सैविज़ हैं ये पेगन पे हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे बिल्कुल बात करने की हाँ। ज़रूरत भी हाँ। है पेगन पर पे, क्योंकि आजकल तो बड़ा फैशन बना हुआ है कि हम अपने आप को ही पेगन <laughs> बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा ये तो पेगन्स हैं ये तो बारबेरियंस हैं ये तो सैविज हैं सब डिस्क्रिमिनेटरी होता अगर हम ये बिल्कुल इनको नेशनहुड का भी कुछ आइडिया नहीं है जो मिडिल क्लास अर्बन लोग हैं इंडिया में देखो वेरी वेल अवेयर कि यू you नो know, कि नेशनहुड क्या है नेशन हुँ, क्या हुँ, है सिविलाइजेशन क्या है तो लगा यार इनके पास तो मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं है ये तो इतने रिमोट हैं तो उन्हें चिट्ठी लिखा कि यार इनको कन्वर्ट करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेके उन्होंने ब्रिटेन के, हाँ, के हाँ, लोगों लेकर ट्राइबल की हाँ कि ट्राइबल पीपल को कन्वर्ट करना चाहिए यहाँ में बड़ा सक्सेस मिलेगा तो वहाँ के जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट थे उन्हें वापस लिखा उन्हें कहा देखो यहाँ तो हल्ला गुला मच जाएगा एंड hmm. uh, क्या होता था कि ज़्यादा ऑपोजिशन हो जाता था इनको डर लगता था कि पार्टी गिर जाएगी तो यहाँ तो हल्ला गुला हो जाएगा हम ऐसे uh, आपको यू नो कन्वर्ट करने नहीं दे सकते हैं. मगर हम क्या कर सकते हैं हम आपको एक एजुकेशन फ़ंड भेज सकते हैं एजुकेशन फ़ंड में आप मिशनरीज़ को एम्प्लॉय करिए एज टीचर्स तो ये हो गए आपके मिशनरी स्कूल्स ओके एंड इन्हें एजुकेशन देना चालू किया तो एजुकेशन सिस्टम हमारे मिशनरी सिस्टम्स हुए सो ये जो मिशनरी स्कूल्स हैं ये उस वक्त से चल रहे हैं और उस वक्त भी यही एजेंडा था और आज भी और मेरे सेम ही एजेंडा हो सेम एजेंडा देखिए क्रिश्चियनिटी हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज और मैं आपको बताती हूँ कैसे मगर एजेंडा इज टू स्प्रेड द वर्क यू नो एजेंडा इज़ टू कन्वर्ट यू नो ऑफकोर्स आज कल यू नो दूसरी भी वॉइस खड़ी हुई हैं जो कह रही हैं कि यू you नो know, जैसे पहले थी कि यू you नो know, ऐसा इंटरफेरेंस ठीक नहीं है यू नो वी मस्ट अलाउ पीपल टू लिव एज लिव मगर ऐसे भी आ, लोग हैं जो अपना मैंडेट समझते हैं जब इन एंशंट रोमन एम्पायर hmm. जब पहले क्रिश्चन्स जो कन्वर्ट हुए आ, उनको ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली क्योंकि उस टाइम पे अलग तरीके के जैसे रोमन एम्पायर थी जैसे वो बढ़ती गई जैसे वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करती गई mm -hmm. जो वो टेरिटरीज में जो वर्शिप होता था वो अपने एम्पायर में अंदर लाते गए यू नो बेसिकली जैसे रोमन एम्पायर ने एक्सपैंड किया जितने भी फेथ जितने भी रिलीजन् जितने भी मोड्स ऑफ वर्शिप उसके इनकाउंटर में आए वो रोमन एम्पायर के पार्ट बन गए तो रोमन एम्पायर में बहुत अलग अलग तरीके के वर्शिप होते थे अलग अलग तरीके के भगवान होते थे जब क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड कमिंग अप तो उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्रिश्चियनिटी अर्बन सेंट्रिक था क्रिश्चियनिटी hmm. रूरल नहीं था क्रिश्चियनिटी अर्बन सिटीज़ में पहले चालू हुआ हाँ तो पिगैनस पेगन pagan, जो हम वर्ड जो आप पूछ रहे थे पेगन का मतलब रूरल पेगानस जो आ, बाहरी एरियाज में है यू you नो know, तो क्रिश्चियंस जो नॉन अर्बन थे जो बाहर रूरल एरियाज में थे उनको पेगन्स बोलना चालू किया क्रिश्चियंस ने पेगन ने? अपने आप को पेगन कभी नहीं बोलता था अच्छा मतलब ये वो जो नॉन क्रिश्चियंस थे उनको वो लोग पेगन्स बोलते थे हाँ कि वो दूसरे लोग हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो यू you नो know, एक फेथ है एक बिलीफ है यू नो पेगन्स में मल्टीपल पॉलिथियस्टिक था मोनोथियस्टिक hmm. नहीं hmm. था पॉलीथियस्टिक था hmm. और uh, क्योंकि क्रिश्चियनिटी अर्बन सेंट्रिक था hmm. तो जो रूरल लोग थे पेगन का लैटिन अगर हम मीनिंग निकालेंगे इट मीनस रूरल यू नो ऑन द आउटस्कर्ट्स यू नो तो वो उन लोगों को कहते थे अरे वो पेगन है क्योंकि वो पॉलीथियस्टिक थे अलग अलग भगवानों को वर्शिप कर रहे थे वो क्रिश्चियन नहीं थे मगर जब एक बड़ा ग्रेट प्लेग हुआ था रोमन एम्पायर में जहाँ बहुत लोग लोगों ने यू नो दे सफर्ड अब क्योंकि पेगनिज्म में कोई स्क्रिप्चर नहीं था कोई फिलॉसफी नहीं थी अलग अलग जिसको जिसको वर्शिप करना है वो वर्शिप कर रहे थे तो क्या हुआ कि वो अपने जो भी जिन जिनको भी प्लेग लग रहा था जो भी बीमार हो रहे थे उनको वो अपने घर के बाहर छोड़ देते थे मरने के लिए इस टाइम पे क्रिश्चियंस आके क्योंकि क्रिश्चियंस में एक फिलोसफी थी एक स्क्रिप्चर था कि आपको जो सफ़र कर रहा है उसको मदद करने की ज़रूरत है वैसे ही आपको यू नो यू विल गो टू ऐसा यू नो दिस वाज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बड़े लूज तरीके से समझा रही हूँ तो उनने आके ये जितने भी नॉन बिलीवर्स थे नॉन क्रिश्चन्स थे पेगन्स थे उनको दे स्टार्ट सेविंग दैम उनको दवाई देना चालू किया उनको खाना देना चालू किया क्योंकि ये जो पेगन्स थे वो तो बाहरी दे वॉज इज लिविंग देश आउटसाइड तो क्रिश्चैनिटी का इन्फ्लुंस बड़ा। क्योंकि लोगों को लगा अरे कितने चैरिटेबल हैं चैरिटी करते हैं अरे हमारे अपने लोग हमें नहीं पूछ रहे पूछ रहे हैं mm. मगर ये लोग हमें पूछ रहे हैं तो ये प्लेग के बाद क्रिश्चैनिटी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी mm -hmm. और जैसे ही क्रिश्चैनिटी की पॉपुलरिटी बढ़ती गई यू नो एन यू नो वन ऑफ द एम्प्रय रोमन एम्प्रर्स ने

एक तो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट अर्ली सेंचुरीज़ के जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं उनका लिटरेचर uh, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है और जो पेगन्स थे यू नो जैसे बड़े सारे थे सेल्सर्स वगैरह जिनने लिखा जब क्रिश्चियनिटी बस uh, उठ ही रहा था जब क्रिश्चियनिटी वाज जस्ट गेनिंग ग्राउंड तब पेगन राइटर्स ने भी क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा था और क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट ने पेगन्स के बारे में लिखा था यू you नो know, क्योंकि पेगन उस टाइम पे कह रहे थे अरे ये तो एक कल्ट है ये रिलीजन नहीं है क्रिश्चियंस mm. कह रहे थे अरे ये तो पॉलीथियस्टिक है यू mm. नो you know, इनके पास तो फिलोसफी नहीं है तो, you know, mm. तो ऐसे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था मगर एक पॉइंट था जब पेगन्स रूलर्स जो थे वो पेगन्स थे mm. और फिर फ्लिप हुआ रूलर्स बन गए क्रिश्चियंस तो uh, जैसे डोमिनेट पार्टी यू नो बिकम्स द रूलर यू नो तो आपको लगता है वो पोलीथियस्टिक तो मतलब वो डेरेगेटरी बन जाता है ना तो जब वो दूसरे भी कम्युनिटी से जब क्रिश्चियनिटी एवेंची लेटर इन द लेटर सेंचुरीज जब कलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ या तो वो दूसरे कम्युनिटी सोसाइटीज का इनकाउंटर हुआ तो उस टाइम दे स्टार्टेड कॉलिंग दम पेगन और पेगन किसी को बोलना मतलब उनको ज़रूरत है कन्वर्जन की ये बेचारे पॉलीथियस्टिक लोग एंड अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन को देखोगे आप हिंदू सिविलाइजेशन को देखोगे यू you नो know, वैसे एंशियन सिविलाइजेशन को पेगनिज्म के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास फाउंडेशन है हमारे पास फिलॉसफी है ऑल्सो आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि पेगनिज्म ऑथेंटिक इसका मीनिंग वो रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ था वो एक एम्पायर से जुड़ा हुआ था हिंदू सिविलाइजेशन को एम्पायर से जुड़ा हुआ नहीं है ये एक है। और उस तो तक मुझे उस में, जब ये सब कुछ शुरू हुआ एरिया है जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ तो वहाँ फिलोसोफी को लेके ही फाइट चल रही थी ना बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिलोस करेक्ट वहाँ तो क्या सबकी अलग अलग छोटी छोटी एम्पायर के ऊपर डिपेंडेंट था ना जितना एम्पायर mm -hmm. बढ़ा mm -hmm. और जितने अलग अलग वेज ऑफ वर्शिप एंड फिलासफीज अपने एम्पायर के थ्रू उन्हें कंटेन किया mm -hmm. आ, इंडिया में वैसा कभी नहीं था ना हमारा तो फिक्स था वी स्क्रिप्चर्स हमारे फिलासफीज़ हैं यू नो यस आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन को आप फॉलो कर सकते हो एक हर्बर्ट हो सर हर्बर्ट होप रिजली करके हैं mm एथनोग्राफर -hmm. थे कलोनियलिस्ट थे एशियाटिक सोसाइटी जो कैलकटा में बेस्ड थी उसके हेड थे hmm. uh, काफ़ी लोग उनको यू नो काफ़ी लोग उनको याद करेंगे क्योंकि ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द सेंस ये कास्ट yeah. का जो डिविजन था यू you नो know, ये इनके अंडर हुआ अच्छा ये कास्ट डिविजन भी ये ब्रिटिशर्स की देन है क्या पूरा, का पूरा? नहीं आई थिंक ऑब्वियसली यू नो दिस एग्जिस्टेड इन आर कंट्री यू नो मगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन पार्ट है ओके यू नो ये लेटर इयर्स में आया मगर यू नो कास्ट बाइफिकेशन तो यू नो दे वाज मगर इट वाज ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड था जितना सिम्प्लीफाई ब्रिटिश ने किया है वैसा सिम्प्लीफाइड नहीं था यू नो सिंप्लीफाई किया प्लस डिवाइड भी कर दिया नहीं सिम्प्लीफाई किया डिवाइड किया यू नो मगर उसके ऊपर मगर जो मेरा मानना है कि फॉल्ट लाइन्स तो थी यू you नो know, गलती तो हमारी के ही नहीं सकते हो ही नहीं सकता था मगर ऑब्वियसली इन यू नो इन अपने समझ के मुताबिक जो सिम्प्लीफाई कर सकते थे इनने सिम्प्लीफाई किया यू नो इन रिलीजन सिम्प्लीफाई किया इनने कास्ट सिम्प्लीफाई किया इनने सेंसिस एंड सेंसिस के लिए इनको काफ़ी कुछ सिम्प्लीफाई करना पड़ा क्योंकि सेंसिस कैसे ले ये सब हर्बर्ट होप रिजली के अंडर हुआ मगर उसने सी हर चीज़ में ना आपको बहुत हम लोग क्या क्या हो गया आजकल क्योंकि सोशल मीडिया में ही हम Uh, हमारा जितना पढ़ना लिखना है सोशल मीडिया में ही होता है।, है हम लोग ज़्यादा डीप डाइव नहीं करते हैं यू नो तो जैसे मैं कह रही हूँ जो लोग अपने आप को पेगन बुला रहे हैं वो बेचारे समझ नहीं रहे हैं कि वो अपने आप को किसी और के डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स से अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं यू नो मिशनरीज के लिए या कलोनियल के लिए पेगन सैवेज बारबेरियन एक ही मतलब है okay. और हम अपने आप को सेम चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि हमने ओरिजिनल लिटरेचर नहीं पढ़ा हाँ। या तो हमने समझने का एफर्ट नहीं बनाया है यू you नो know? मगर हर्बर्ट होप रिजली को भी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे उसने बहुत सारी ऐसी यू नो चीज़ें की थी जिस बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स आए हैं इंडियन सोसाइटी पे मगर सर्टन पार्ट्स में उसने ये भी नोट किया था ही इट कम्पेयर पेगन्स टू हिंदूज हाँ उसने कहा था बहुत लोग कहते हैं बहुत हमारे जो पियर्स है वो कहते हैं कि अरे पेगन्स तो हिंदू जैसे है। कहते हैं पेगन्स हिंदूज जैसे नहीं है क्योंकि मैंने देखा है इस देश में अगर आप किसी अनपढ़ आदमी से भी बात करो अनपढ़ गांव वाले से भी बात करो वो आपको इतना सोफिस्टिकेटेड आंसर देगा ना लाइफ और डेथ की फिलॉसफी के बारे में जो इतनी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है किसी भी रिलीजन में लाइफ एंड डेथ एक बड़ी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी रहती है यू you नो know, तो उसने कहा कि यू नो यूजली अगर आप देखोगे ये जो लाइफ और डेथ की फिलॉसफी होती है ये खाली जो आदमी पढ़ा लिखा है जो आदमी को थियोलॉजी समझ आता है रिलीजन समझ आता है वही इसको एक्सप्लेन कर पाता है मगर अगर आप किसी भी एवरेज अनपढ़ हिंदू के पास भी जाओगे वो ये ऐसे अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएगा कि आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा दैट इसके बिलीफ में एक फाउंडेशन है जो पेगन्स में कभी नहीं था तो ही सर ये दोनों आप नहीं कंपेयर कर सकते हो यू you नो know, तो ऐसी भी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जो हमारे एडवर्सरी हैं उनने जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें दी है वो कॉम्प्लीमेंट सबको लेके अपने लिए ले ले यूज करना चाहिए इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत डीप डाइव की डीप डाइव और ये सिर्फ अभी जस्ट जस आपने जो कहा मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता ये लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है हम लोगों को भी चीज़ों को समझने के लिए ट्रेस को आप, करना पड़ेगा कि उसका फाउंडेशन और फाउंडेशन से आप पढ़ना चालू करिए और ये कोई कभी नहीं एक दिन दो दिन की बात होगी ये जिंदगी भर यू नो एटलीस्ट आप एक चीज में एक्सपर्टीज होएगा आपका यू नो एन एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पे किसी चीज को यू नो काउंटर करना चाह रहे हो यू हैव टू बी एज एज गुड देम आपको फाउंडेशंस पता होनी चाहिए और आपको टाइम देना ही पड़ेगा नहीं तो कोई आपको सीरियसली नहीं ले तो अब अपन थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंटर होकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट क्यों इतना ज्यादा एक्सक्लूड फील होता है हम लोगों को क्या रीज़न है इसके पीछे दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इसमें दो या तीन रीजनस हैं यू नो हर चीज़ नॉर्थ ईस्ट में एक से नहीं देख सकते हैं मल्टीपल लेंसेस होते हैं एक है जैसे आपने अर्लियर ऑन मैंशन किया था चिकन स्नैक जोग्राफिकली इट इज बैडली इमेजनड यू नो आप बाईस किलोमीटर का एक चिकन स्नैक है सिलीगुरी कॉरिडोर hmm. जो बोला hmm. जाता है hmm. वो हमारे लिए सबसे एक प्रिकेरियस uh, पोजिशन है क्योंकि आप देखिए बाईस किलोमीटर किसी को भी क्रॉस करने में टाइम hmm. नहीं लगेगा um. तो स्ट्रेटिजिकली ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है नंबर टू बिकॉज जोग्राफिकली ये ऐसे काटा गया है डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि बहुत टाइम तक uh, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया था यू नो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी भी कॉस्टली uh, था यू नो तो यहाँ पहुँचने पहुँचने को भी मुश्किल होता था मतलब जैसे ट्रेन रोड्स ज्योग्राफिकली इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री यू नो एंड नॉर्थ ईस्ट यू नो ज्योग्राफिकली भी थोड़ा दूर है यू नो तो इसलिए इट इज अ लिटिल मतलब काफी टाइम तक ये बहुत एक एक्सपेंसिव एंडेवर रहा कि हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेंगे मतलब मैं जस्ट मेरे माइंड में भी आया मैं जब छोटा था मेरा जो होम टाउन है वहाँ से इंदौर सिटी तीन सौ किलोमीटर है तो जब मैं टेंथ में था तो वहाँ से इंदौर जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी तीन सौ किलोमीटर का सफर तय करना क्योंकि रोड भी तो सिंगल लेन ही रोड अब तो हाईवे हो गए सिंगल लेन ही रोड हुआ करता था सो so, जस्ट मैं आपने बोला था तो मेरे मैं इमेजिन करने लगा कि यहाँ से अगर नॉर्थ ईस्ट कोई आदमी उस वक्त जाने का सोच भी नहीं सकता था करेक्ट करेक्ट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं था एक्सपेंसिव था वहाँ जाके यू you नो know, आप करते क्या क्योंकि लोगों को हेजिटेंसी होती थी ऐसा नहीं है कि ट्रेडर्स नहीं थे इंडियन सिविलाइजेशन तो इसी रूट से म्यांमार भी गया है यू you know, नो अलग थोड़े अलग रूट और इस रूट को मिला के थाईलैंड कंबोडिया आप जापान भी जाओगे जापान तक यू you नो know, इंडियन सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट है यू नो वहाँ गणेश जी को सरस्वती जी को पूछते हैं आज तक यू you नो know, तो आ, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट ही बहुत दूर था उससे भी कई दूर जगह यू नो हमारा सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट हुआ है, मगर यू नो पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ ध्यान नहीं दिया गया मगर ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हमने वही ब्रिटिश पॉलिसीज़ फॉलो किए ना इसमें ना थोड़ा समझने का ज़रूरत है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर था वो लास्ट फ्रंटियर लास्ट ब्रिटिश यहाँ काफी देर पहुंचे काफी देर बाद ओके। हाँ। okay. और जब पहुंचे इनके लिए पहले बंगाल पहुंचे mm -hmm. हाँ बंगाल से इनके साइड्स गए नॉर्थ ईस्ट पे ओके। एंड नॉर्थ ईस्ट पे इससे साइड गए क्योंकि चाइना का उस टाइम पे एक मनोक्री था पे चाय बनाती थी mm -hmm. यू नो तो तभी भी कंपटीशन था चाइना के साथ और इनको लगा कि हम नॉर्थ ये अपन किस ईयर uh, के आसपास की बात करें अप्रोक्सीमेटली दिस अबाउट एटीन सेंचुरी हाँ एंड उसके पहले भी एडवेंट हुआ था hmm. उसके पहले भी ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे नॉर्थ ईस्ट है या यू you नो know, मगर जब तक इनने अपना फुटप्रिंट जमाया वहाँ हाँ तो काफ़ी टाइम हो चुका था एंड वहाँ इंटरवॉरिंग प्रिंसिपैलिटीज़ थी यू नो अहम किंगडम में यू नो झगड़े चल रहे थे यू you नो know, कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट ये किंगडम बहुत ज्यादा मायने रखता है क्या नॉर्थ ईस्ट के लिए क्योंकि मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ता हूँ ये नाम आता ही आता है इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट किंगडम यू नो मतलब इट्स अ वेरी रिच कल्चर मगर इट्स नॉट द ओनली वन ओके हमें न काफी प्रीवियस uh, जो हिस्टोरिकल एम्पायर्स हैं वहाँ उनको हम भूल गए हैं यू you नो know, मगर ये तो हमारी हिस्ट्री की डेफिसिट नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है ये कहीं की भी बात है हमें रिसेंट चीज़ें याद रहती हैं वो भी अभी अभी याद आनी चालू हुई हैं मगर बीस साल पच्चीस साल पहले कोई नहीं जानता था यू नो एंड सेम थिंग नॉर्थ ईस्ट के साथ भी नॉर्थ uh, ईस्ट का अगर हिस्ट्री आप देखिए बहुत लोगों ने लिखा है नॉर्थ uh, ईस्ट के खुद के जो एकेडेमिक्स हैं स्टॉल बोर्ड्स हिस्टोरियंस जो हैं उनने लिखा है महाभारत के टाइम से भागदत्त के टाइम से यू you नो know, जो आ, जिनने आ, पार्ट लिया था महाभारत में ही कौरव के के साइड थे नॉर्थ ईस्ट से आए थे लड़ने के लिए कौरव की तरफ से जी, जी, जी अरे वाह शायद लड़े नहीं थे मगर ऑब्जर्वर्स के तौर कौरव के साइड पे थे और यहाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट में कहानियाँ चलती है आज भी ऑफकोर्स चलती हैं जैसे मैंने कहा कि ट्राइब्स हैं जो मानती है जैसे अरुणाचल में ट्राइब है सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो मानती है कि वो रुक्मणी के डिसेंडेंट हैं हाँ। और वहाँ पर परशुराम कुंड भी है और कहते हैं कि कृष्ण जी रुक्मणी को वहीं से ले गए थे अरुणाचल से यू okay. नो you know, जैसे चित्रन गदा है मणिपुर की जैसे वल्ली के कहानियाँ हैं जैसे यू नो you know, ऐसे मतलब आ, मैं गिनते हुए थक जाऊँगी okay. मगर जितने इंस्टेंसेस हैं वो मतलब आपको इतने मिलेंगे ना मेरा वही क्वेश्चन हाँ. था कि ये जो रेफरेंसेस है इसके मतलब सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इसे रिलेट करते हैं एब्सोल्युटली इन रिफरेंसेज एब्सोल्युटली रिलेट करते हैं उनका काफ़ी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनकी आइडेंटिटी वहाँ से आती है जिनका प्राइड वहाँ से आता है यू you नो know, ठीक है वो अलग बात है कई लोग हैं जो कहेंगे कि अरे भाई कौन प्रूव कर पाएगा महाभारत को यू you नो know, अरे ये तो बाद में आया ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में लेना हुँ, चाहिए हुँ, मगर फैक्ट तो फैक्ट है कि जब वहाँ की ट्राइबल कम्यूनिटीज ही खुद मानती हैं मेरा सिंपल से यहाँ पे तो एक बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये है ना कि रामायण महाभारत फैक्ट फे, है मेथोलॉजी से फर्क ही नहीं पड़ता भाई इनके रिफरेंसेस हैं अब बोले अब भले ये मेथोलॉजी तो भी कोई मायने नहीं रखता रिफरेंसेस है और नॉर्थ ईस्ट के लोग उन रिफरेंसेज से रिलेट करते हैं और इन्हीं रेफरेंसेस से रेस्ट ऑफ इंडिया भी रिलेट करता है बात खत्म हो गई बात खत्म वो यू नो मिथोलॉजी भी वर्ड तो अंग्रेजी लेके आया ना मिथ जो भी चीज आप प्रूव <laughs> नहीं कर रहे उसको मिथ बोल दो तो मैं तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं uh, हमारे महाभारत और रामायण आई नेवर यूज द वर्ड मिथोलॉजी क्यों यूज करें हिस्ट्री ओबीसी बात है मैं हिस्ट्री भी मैं तो ग्रंथ ही यूज करता हूं हमारे ग्रंथ हैं करेक्ट मगर यू नो एट द मोस्ट यू विल यूज हिस्ट्री यू नो दैट इज आवर सिविलाइजेशनल लिटरेचर यू नो एंड um, कहीं भी आप देखोगे यू you नो know, आप म्यांमार में भी देखोगे वन ऑफ द यूनिफायर किंग्स हिंदू संस्कृत नाम है यू hmm. नो you know, तो ये कहाँ से आते हैं थाईलैंड में आप देखो रामा वन रामा टू कम्बोडिया में खमेर एम्पायर देखो अंकोर वार्ड देखो यू you नो know, तो कहीं भी आप जाओ यू विल फाइंड द सिविलाईजेशनल कंटिन्यूटी तो आप कैसे कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट को मिस कर दिया हाँ. कहेंगे सी रूट लिया

अब आप और तो, ये तो एक थर्ड पर्सन लिख रहा है ना वो उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं है करेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, नहीं तो, है ऐसे बहुत सारे हैं यू नो ग्रीक राइटर्स भी हैं जिनने लिखा है यू you नो know, क्योंकि ट्रेड होता था थ्रू द सी रूट तो उनने भी लिखा है तो यू you नो know, ये तो अब आर्ग्यूमेंट की बात है कि लोग यू नो निगेट करना चाहें यू you नो know, मगर निगेट uh, भी अब मुश्किल ही है क्योंकि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशनसी जितना आजकल कम्युनिकेशन सोशल मीडिया बढ़ा है उसमें अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं यही पूछना चाह रहा था कि जब इतना सारा रेफरेंस है सब कुछ है तो फिर डिस्कनेक्ट क्यों सो so, डिस्कनेक्ट अब नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली के बारे में बताती हूँ इसलिए हुआ फर्स्ट रीजन आई यू इज अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन इतने बुरी तरीके से काटा कि हमारे लिए जियोग्राफिकली ही हो गया नंबर टू ये आइडिया ऑफ रेस रेस कि कोई मोंगलोइड है, है कोई यूरोप आर्यन है कोई ट्रविडियन ये भी बड़ी लेट चीजें थी ये सेंसस के लिए बनाई गई थी ये वर्ड्स एवरिजिनी जिसको हम आदिवासी कहते हैं इंडिजिनस आदमी इंडिजिनस का मतलब क्या है मतलब मेरे को तो शौक होता है कि हम वी यूज वर्ड्स लाइक क्योंकि या यू नो आदिवासी इसके ऊपर भी बड़ा पॉलिटिक्स है hmm. क्योंकि कई लोग कहेंगे नहीं हम आदिवासी हैं मगर इसमें आप पॉलिटिक्स देखिए इट्स नॉट अबाउट द वर्ड इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स बिहाइंड द वर्ड कि आप यहाँ के हो मैं नहीं हूं आप इंडिजिनस हो uh. मैं नहीं हूँ uh -huh. मैं कैसे मानू कि मैं नहीं हूँ हाँ, तो भारत में तो सारे भारतीय यू you नो know, मगर ये कहाँ से इंडिजिनस वर्ड कहाँ से आया ये एवरिजनी वर्ड ये ऑस्ट्रेलिया में आप काफी देखोगे ये कहाँ से आया ये हमारे सेंसस में इंक्लूड किया गया था वन ऑफ आ फर्स्ट सेंसस में ओके okay. ये आया क्योंकि अंग्रेज देख रहे थे अब मैं एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी की बात कर रही थी हाँ. ना कि आप सेकेंड आप रेफरेंस अपने आप को देते हो उसके लिए हम अन इंडिजिनस थे अंग्रेजों के लिए उसके लिए हम एवरिजनी थे हाँ. कि यू you नो know, ये तो है ये यहाँ के ओरिजिनल सेटलमेंट है क्योंकि हम नहीं है हम तो ऐसे मगर hmm. मेरे लिए आप नहीं हो इंडिजिन में नहीं हूँ मगर ये साइकोलॉजिकल ये किसी को बोलते रहो ना किसी को बोलते रहो एंड क्या हुआ इनके लिए बड़ी सिंपलिस्टिक आइडिया थी क्योंकि क्रिस्टानिटी जब आया इट टुक ओवर वहां भी ट्राइबल पॉपुलेशन थे ऐसा तो है नहीं कि hmm. वहां ट्राइबल पॉपुलेशन hmm. नहीं थे hmm. वहां भी अलग टाइप ऑफ कम्युनिटीज थी वाइकिंग्स hmm. थे hmm. यू नो गॉड्स थे विजी गॉड्स hmm. थे यू hmm. नो you know, इनको एक यू नो थ्रू क्रिस्टैनिटी एक ह्यूमनजिनस ग्रुप में कन्वर्ट किया गया राइट hmm. hmm. right? hmm. तो जब वो यहाँ आए उनको लगा हिंदुजम वर्क द सेम वे यू नो उनको लगा कि अरे जो ट्राइबल हैं क्योंकि वो अलग तरीके से रहते हैं वो मो आइसोलेटेड है जंगलों में रहते हैं या यू you नो know, अलग वेज ऑफ लाइफ है Uh, वो ओरिजिनल होंगे और हिंदू कहीं और से आए हम्म, ओके यू नो तो आ, ये जो एबरिजिनी इंडिजिनस वर्ड है ये इसी तौर पे इनने इंक्लूड किया सेंसस में hmm. सेंसस में इनने रेस भी इंक्लूड करने की कोशिश की कि कौन मंग्लॉयड है कौन नहीं है यू hmm. नो you know, अगर आप देखोगे hmm. गंधारी कहाँ की थी गंधार करेक्ट hmm. you know, तो है नहीं कि वो सेम ही कम्युनिटी की थी सेम ही ज्योग्राफिकल लोकेशन की थी <laughs> सीता की थी अगेन यू नो अनदर लोकेशन, यू नो, तो ये अगर आप हमारे एपिक्स में जाओगे हमारे जैसे आपने उनको राइटली सो यू कॉल्ड इट हमारे ग्रंथों में जाओगे हमारा कोई इमेजिनेशन रेस का नहीं था नहीं। कोई किसी को डिस्क्राइब नहीं करता है कि वो मोंगलॉयड थे वो नॉन मोंगलॉयड थे यू you नो know, ये तो चीजें बाद में आई है अगर हम कह रहे हैं कि चित्रनगणा मणिपुर की थी तो मतलब अर्जुन वहां गए शादी करने को उनने क्या रेस देखा यू you नो know, तो ये 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 सब सब जो है लेटर मगर हमारे लिए कॉन्क्रीट बन गई ट्राइब नॉन ट्राइब अब वो यू you नो know, कॉलोनियल के लिए ट्राइबल है मतलब जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि एक तो चिकनेक वाला पॉइंट हो गया अपना इसके बाद में, जीव में को समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए ट्राइब ट्राइब नॉन दो मतलब तो किया। किया। और, और हटाना चाहिए था आजादी के बाद में लेकिन उसको हटाने के बजाय हम लोगों ने उसी को कंटिन्यू किया करेक्ट अब ये बेसिस में ये जो बाइफिकेशन ने की है रेस की बाइफिकेशन कास्ट की बाइफिकेशन जो आजकल बहुत हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं मगर रेस की हम इसके ऊपर कम करते हैं रेस और ट्राइब के ऊपर हमारा डायलॉग कम होता है hmm. कास्ट के ऊपर हमारा Classical बड़ा बहुं, फोकस बहुं, है, बहुं हाँ? है मगर आप रेस एंड ट्राइब के ऊपर भी देखोगे ये जैसे कास्ट इज़ ऑल्सो यू नो इन अ वे प्रॉब्लमैटिक इन सेंस दैट इट डिवाइड्स सोसाइटी अगर नेगेटिवली हम यू you नो know, इसको अप्लाई करें वैसे ही ट्राइब नॉन ट्राइब को भी अगर हम नेगेटिवली अप्लाई करें ये सोसाइटी को बाइफिकेट करता है हम अब बेसिस दिस बाइफेसन ब्रिटिश पॉलिसीज लाए हाँ तो ये पॉलिसीज थे कि जब ब्रिटिश ने नॉर्थ ईस्ट एंटर किया इनको बहुत भयंकर रेजिस्टेंस मिला कोई इनके लिए आसान नहीं था जाना तो एज मच एज वी लव टू हेट दैम वी हैव टू गिव देम क्रेडिट कि इनमें वो क्षमता थी कि वो इतनी रिमोट एरियाज में जाकर मैन एंड वुमेन क्योंकि मिशनरीज यूजली हस्बैंड वाइफ होते थे जाके वो वहाँ रहे लॉट ऑफ दम डाइट क्योंकि मलेरिया होता था टेरेन बहुत डिफिकल्ट था फॉरेस्ट एरियाज थे एंड uh, ट्राइबल्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे आइसोलेटेड रहना पड़ता था यू you नो know, तो बहुत मुश्किल से ये लोग ने अपना वहाँ प्रेजेंस जमाया ऐसा नहीं था कि आए और इनको वेलकम मिला मगर uh, काफ़ी ऐसे ट्राइब्स थे वो वेरी हॉस्टाइल इनने इनका डोमिनेंस अपने ऊपर कभी माना नहीं सी ट्राइबल कम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा ही उनमें एक यू नो इंटरनल प्राइड होता है अपनी आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी के बेसिस पे इनके पास प्राइड होता है रिजिलियंस होता है वॉरियर्स होते हैं यू नो तो इनके ऊपर डोमिनेट करना इज़ नॉट ईजी एंड वन द ब्रिटिश के मैन इनको ये इंटरफेयरेंस नहीं अच्छा लगा तो ये लोग कॉन्स्टेंटली अटैक करते थे ब्रिटिश ट्रेड रूट्स ओके okay. अब ब्रिटिश ने कहा कि कलोनियल इज सेट दैट लुक यार ये तो हमारे ट्रेड रूट्स को अटैक करते हैं हमारे लोगों को मार देते हैं और बहुत फेयर्स फाइटर्स हैं hmm. क्योंकि इनमें कई ट्राइब्स ऐसे थे जिनमें हेड हंटिंग भी होती थी क्या है? माने कि जब क्लैश uh, होते हैं hmm. या तो इंटर ट्राइबल क्लैश होते हैं या तो कोई भी एनिमी के साथ क्लैश होता है एज हाँ. अ um, इसे मैं कैसे कहूँ टू गेट द एनिमीज हेड

हमारे लिए नॉर्मल है और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नॉर्मल नहीं हुई होगी यू नो तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मगर इंडियन सिविलाइजेशन में हमने ऑलवेज एंड डिफरेंसेस को अपनाया है हमने कभी इनको ऐसे नजरिए से नहीं देखा है कि अरे ओ ओ माई गॉड ये क्या कर रहे हैं यू नो ये चीज़ें बहुत बाद में आई बट यहाँ मिस कर यहाँ मिस कर गए हम यहां कर क्योंकि आइसोलेट इन पॉलिसी के थ्रू कर दिया तो ब्रिटिश जब इनके ट्रेड रूट्स आ, अटैक हो रहे थे इनका हम क्या करें हम एक पॉलिसी बनाते हैं जिसमें ये एरियाज को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा था रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो यहाँ अप्लाई नहीं होएगा ओके okay. हाँ तो इनको एक्सक्लूडेड एरियाज कहते थे इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एरियाज इंक्लूडेड एरियाज मीन ब्रिटिश के डेवलपमेंट वर्क एंड जो भी ब्रिटिश uh, पॉलिसीज थी यहाँ एप्लीकेबल होंगी जो एक्सक्लूडेड एरियाज थे वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगी तो इसमें भी उस टाइम के जो हमारे इंडियन पोलिटिशन्स थे उनने काफ़ी ऑब्जेक्ट किया उन्होंने कहा यार आप ऐसे पॉलिसीज़ बनाओगे तो दे विल बी अ डिफरेंस ऑफ डिवेलपमेंट वो एरियाज डिवेलप नहीं होंगी ये एरियाज़ डिवेलप हो जाएंगी यू नो you know, उसमें भी इनने बड़े रूथलेसली वैलीज और हिल्स डिवाइड कर दिए वैलीज और हिल्स का भी बहुत ही इशू है मैं जब भी मणिपुर के बारे में पढ़ रहा था तुम वहाँ पे भी वैलीज़ और हिल्स का बहुत इस पर करें, तो बात करेंगे लेकिन करें, हाँ, ये, ये वो थे कि ये you know, you know, uh, तो काफी सारे हिल्स इन्हें वैलीज रखे रिसोर्स वहाँ थी यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग वहाँ बना सके बहुत भी थी हाँ रीच इजी थी।, थी तो बहुत सारे ऐसे रीजंस थे मगर अपनी कन्वीनियंस के रीजंस थे और जितना भी यू जितना भी मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता रही हूँ मैं, जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्योंकि इसमें और भी बहुत लेयर्स हैं मगर ये हम यू नो कैन कीप गोइंग डीपर लेटर ये जो पॉलिसीज थी एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड एरियाज इनर लाइन परमिट आया जो अभी भी चल रहा है हाँ ये इनर लाइन परमिट शौक हुआ मेरे को आज हम लोगों को इनर लाइन परमिट की कहा जरूरत आ रही है मतलब अगर हम लोगों को इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है तो ये परमिट्स का इनिट्स नॉर्थ ईस्ट में इन इसलिए डाले थे ताकि ये जो रेडिंग ट्राइब्स थी hmm. जो इनके ट्रेड रूट्स पे हमले कर रही थी।, थी ये इनको अंदर रखता है hmm. यू नो कि यहाँ से तुम बाहर नहीं निकलो और कोई अंदर नहीं जा सकता है इनर लाइन परमिट इसलिए बना था खाली okay. आपके पास अगर परमिट हो तो आप अंदर तो जा रहे हैं हाँ एंड थोड़े इसमें बफर जोन भी था आउटर लाइन परमिट भी था वो अलग बात है मगर इनर लाइन परमिट तब बना था ये कोई इनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए नहीं बना था जो आजकल काफ़ी लोग ये गलत इंफॉर्मेशन uh, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये तो टू प्रिजर्व द आइडेंटिटी था पोस्ट इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर है ट्राइबल अफेयर्स एडवाइजर उनका नाम था वेरियर एल्विन। ओके ही वाज़ अ मिशनरी हाँ लेटर उसने बोला कि मैंने कन्वर्ट कर दिया है अफ्रीका में हिंदू मगर वो अलग बात है उसमें भी बड़ी डिबेटेबल चीज़ है मगर वो मिशनरी था मिशनरी का बंदा हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्राइबल एडवाइजर था वेरियर एलविन लेट मी अंडरस्टैंड मिशनरी का बंदा हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्राइबल एडवाइजर ट्राइबल और का मकसद है ट्राइब, ट्राइबल्स को कन्वर्ट करना <laughs> इसके लिए ना दो मिनट का दे हाँ, इसके का, लिए इसके लिए बाकी मिनट का रखने की जरूरत है <laughs> मतलब मतलब क्या क्योंकि जब हम से निकले हमको लगा कि हर चीज जो वेस्टर्नाइज्ड है वो मॉडर्न है मॉडर्न मींस वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन सी अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए पहले मॉडर्नाइजेशन mm. का मतलब क्या है हम अगर हम कहते हैं अरे वो लड़की बड़ी मॉडर्न है इसका मतलब होता है कि वो वेस्टर्नाइज है क्योंकि mm. मॉडर्न का मतलब चेंज इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन यू नो उसका कुछ यू you नो know, क्या कपड़े पहनते हो क्या इससे कुछ लेना देना नहीं चेंज mm. तो हिंदू सोसाइटी बाय बर्थ इज मॉडर्न क्योंकि हम चेंज एक्सेप्ट करते हैं इसलिए हम सर्वाइव exactly. uh, कर पाते हैं ah, क्योंकि exactly. क्योंकि वी एक्सेप्ट एक्सेप्ट एनी एनी ऑफ़ ऑफ़ चेंज जैसे ही टाइम बदला है वैसे हमारी यू नो डू यू थिंक जो हम हजार साल पहले कपड़े पहनते थे वो आज पहनते नहीं बट वी एक्सेप्टेड दैट चेंज यू नो तो मगर जब हम पोस्ट कलोनी पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे दिमाग में अभी भी काफ़ी लोगों के दिमाग में यही है कि मॉडर्न का मतलब वेस्टर्नाइज है इनफेक्ट यहाँ पे शायद मेरी बात कॉन्ट्रोवर्शियल लग जाए हाँ। बहुत लोगों को सती प्रथा जो पॉइंट है है ना मतलब बहुत लोग मेरे को समझ में नहीं आता लोग इसको लेके थोड़ा तो सा शर्मिंदा क्यों महसूस करते हैं भाई ठीक है हमारे अंदर हमारे बीच में प्रथा थी हम लोगों को गर्व होना चाहिए यार कि हमारे बीच में प्रथा थी हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि वो गलत है हम लोगों ने इसे बंद किया

किस बात पे कि वो चेंज नहीं चाहते और हम लोग हमने हमारी वर्स्ट चीजों को भी चेंज करके एक्सेप्ट कर लिया और ये कैपेबिलिटी हमारी यू नो एंड वो अलाउड है अलाउड है आधी तो हमारे जो यू नो चीजें हैं डेली लाइफस्टाइल में वो अगर हम स्क्रिप्चुअली जाए मे भी यू नो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी मगर सोसाइटी हाँ करती है यू नो एज एन एक यू you नो know, तो ये बहुत हमारे में एक यू नो एबिलिटी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि यू नो कॉन्टेक्स्ट बदलता जाए हम भी साथ में बदलेंगे मगर हमें एसेंस नहीं भूलते हैं यू नो तो uh, ये लोगों को समझना मुश्किल होता है बट कमिंग बैक टू दिस वेरियर एलमिन वॉज द मिशनरी एडवाइजर एंड उसका कहना था कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस ये इनर लाइन परमिट्स ये सब रखना बड़ा ज़रूरी है अच्छा उन्होंने कंटिन्यू करवाया इसे सुनने का क्यों क्योंकि हमारे जो ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट थे यू you नो know, जो हमारे सिविलाइजेशनल uh, अंडरस्टैंडिंग के सिविलाइजेशनल uh, अंडरस्टैंडिंग uh, के साथ सोशियोलॉजी नहीं अब ये मत बोलना मुझे कि उस वक्त हमारे देश के अंदर एक लायक आदमी मौजूद था हमारे देश का ही उसने वेरियर <laughs> एल्वेट को डिप्रेशन में डाला था वेरियर एल्वेट एंड जीएस घुरी के बड़े फेमस झगड़े होते थे आर्ग्यूमेंट्स होते थे क्योंकि घुरिए कहते थे uh, कि यू you नो know, हमको ट्राइबल कम्यूनिटीज़ को हमको वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैम टू जो हमारा सिविलाइजेशनल था mm -hmm. है क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है mm -hmm. ट्राइबल कम्युनिटीज़ नॉट ओनली आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मगर यू you नो know, ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज़ में भी है इवन you know, yeah, अगर सेंट्रल एरियाज में भी हैं बहुत लॉजिस्टिकली जोग्राफिकली बहुत महत्वपूर्ण एरियाज में हैं यू you नो know, तो इनका सेफ रहना इनको इंटरग्रेट करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यू नो और इनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अलग हैं यू you नो know, ये पार्ट इन दार्सल ऑफ आर सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है ये विचार हमारे देश के लायक बंद के हैं जिसे नौकरी नहीं मिली जी एस घुरिया ने कहा जो आज जिनको कोई पढ़ता नहीं है वो बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशोलॉजी

हमारी हमारे परस्पेक्टिव से सब कुछ लिखा है उसे तो हमें पढ़ना ही चाहिए ना उसको छोड़ के हम लोग करेक्ट यू नो एंड सरप्राइजिंग ये भी है कि मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है and ऐसे बहुत सारे लोग थे इज नॉट ओनलीडेमिशन बहुत सारे दिस like बहुत सारे थिंकर्स थे फिलोसफर्स थे मैं तो एक स्टेप इसको आगे ले जाऊँगी hmm. कि मैं कहूँगी कि uh, जो घुर जी ने कहा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए टू इंडियन सिविलाइजेशनरी था मैं तो कोई इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है रिमाइंड करवा दीजिए क्योंकि रेफरेंस तो हमारे ऑलरेडी है यू नो एंड कुछ फॉज करने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिकली यू नो पीपल विल फाइंड वे क्योंकि सबको अपनी हिस्ट्री में अपनी आइडेंटिटी में इंटरेस्ट यू नो वो हिस्ट्री अवेलेबल होनी चाहिए लोगों को लिखना चाहिए यू you नो know, लोगों को वो पढ़ना चाहिए मैंने uh, uh, मैंने रेफरेंसिंग चालू किया महाभारत में ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज आई थिंक वो फोर्टी फाइव में गया ऐसे है। एक रेफरेंस में मेरे को नहीं लगा कि दे आर बींग ट्रीटेड एज एन अदर जैसे अदराइज आइज करते ना एक रेफरेंस में मेरे को वैसे नहीं लगा वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे आम आदमी के बारे में मैं आपके बारे में बात करूँ आप मेरे बारे में बात करें सेम वे यू you नो know, तो ये सब बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज बिकॉज ऑफ हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर बिकॉज ऐसे एडवाइजर्स थे एक डिविजन रह गया पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो ये पॉलिसीज़ रह गई यू you नो know, ये इनर लाइन परमिट रह गया यू you नो know, वो अलग बात है एंड मैं कहूँ आई एम नो एक्सपर्ट मैं कभी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहती हूँ क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये कोई एक स्टेट नहीं है mm. ये एक कम्युनिटी नहीं है यू नो हंड्रेड्स ऑफ Mein 15 साल से काम कर रही हूँ पंद्रह साल से मैं फील्ड में जा रही हूँ और मैं एक चीज बता सकती हूँ वेदर यू लाइक इट और नॉट वेदर यू आर इन फेवर ऑफ दिस नॉट मैं जो बदलाव आया वो दो हजार चौदह के बाद अब यहाँ मेरा आपसे एक, एक सवाल ये कि साल दो हज़ार चौदह के बाद में क्या बदला और आपने आपको क्या बदलाव नज़र आ रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखिए जब मैं पंद्रह साल पहले मैं ट्रेवल करती थी मैं छोटी थी यू नो वहाँ जाने को भी मतलब मेरे पेरेंट्स कहते थे वो माई गॉड इट्स डेंजरस यू नो जब मैं अपने दोस्तों को कहती थी वो शॉक्ट हो जाते थे कि वाई डी वॉन्ट टू डू दिस You know, आप क्यों जाना चाहते हो रिसर्च क्या होता है और वहाँ क्या ही रिसर्च करोगे आप मेरे को बताइए एवरेज इंडियन जब वो ट्राइबल वर्ड सुनता है उसके मन में क्या आता है वॉट इज द आइडिया ऑफ अ ट्राइबल पर्सन मैं मेरा बताऊँ एक शर्टलेस पर्सन जिसने गले <laughs> में माला डाल रखी हो नीचे पत्ते बांध रखे और वो डंडा लेके नाच रहा हूँ क्योंकि ये बॉलीवुड वालों ने इमेज क्रिएट करी है हम लोगों की नजरों में करेक्ट और ये मेरे हिसाब से सभी के माइंड में ये आता हुआ सभी के माइंड में ये आता है यू hmm. नो you know, और ऑलमोस्ट ये कैरिकेचर बन चुका है यू hmm. नो you know, जिसके ऊपर यू नो सो सैड टू से लोग हंसते हैं hmm. लोग देख के कहते हैं अरे बिल्कुल कुछ संस्कृति नहीं है यू you नो know, इनके पास क्या होएगा इतना कम नॉलेज है हमारे पास hmm. और दिस इज हाउ हम देखते हैं अपने ही फेलो इंडियन यू you नो know, तो इसमें कुछ यू नो देर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम हियर क्योंकि मतलग, गलत मत लेना लेकिन जस्ट मुझे फील हुआ कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है हमारी कंट्रीज की जिनको हम लोग इस तरीके से देखते हैं हम लोग लिटरली उनके लिए काले अंग्रेज हैं हाँ हम लोग आज भी उनको उसी नजर से देख रहे हैं बस अंग्रेजों की जगह हम आ गए हैं करेक्ट इनको हम कहते हैं ना ब्राउन साहिब्स हाँ वही यू you नो know, कि अंग्रेज तो चले गए मगर ये छोड़ गए और ऐसी एकेडीमिया ने यू नो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स ने ऐसे पोलिटिशन्स ने यू you नो know, ये कॉन्स्टेंटली थ्रू द पॉलिसीज़ थ्रू द एजुकेशन ये सेम इमेज इनने री किया है आज इनको को... कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा यू नो लेट्स स्टडी अगर अगर डिस्कनेक्ट है तो क्यों है आपके दिमाग में आ रहा है मेरे दिमाग में आ रहा है आपके व्यूअर्स के दिमाग में आ रहा है मैंने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े थे जब आपने ये प्रमोट किया था द क्वेश्चन वो ब्रिलियंट एवरीबडी जो आपके उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो कोई एक्सपर्ट नहीं है एग्जैक्टली exactly. मगर वो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये डिस्कनेक्ट क्यों है डिस्टेंस क्यों है आइसोलेटेड क्यों है सबको फील होता है सबको फील होता है यू you नो know, मगर हमारे पोलिटिशन्स हमारे एकेडमिशियंस हमारे इंटेलेक्चुअल्स को पचास you know, uh, साल नहीं फील हुआ ये mm. उनको इंटरेस्ट ही नहीं था लेट एस बी क्लियर अबाउट दिस एज अ कॉमन मैन अगर मेरे को लगा दैट कोई नहीं पढ़ रहा है ये एरिया आई शुड गो इन स्टडी इट यू नो जब मेरे दोस्त मेरे ऊपर हंसते थे कहते थे वहां जाके क्या करूंगी अरे योर पेरेंट्स हैनी ड इन इंग्लैंड एंड नाउ यू गो इन टू द नॉर्थ ईस्ट दे वु से थिंग्स लाइक दैट ऑन द कॉन्ट्री नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए कि गॉड दैट्स अमेजिंग आप जा रहे हो एग्जैक्टली यू नो मगर ऑफिस सिक्योरिटी थ्रेट भी था उस टाइम यू नो इंसर्जेंसी बहुत थी और ये पंद्रह साल पहले की बात है ये मैं ज़्यादा दूर हम सब के इमेजिनेशन में है यू you नो know, कि आई स्टिल रिमेंबर इम्फाल में इस्कॉन टेम्पल में uh, मणिपुर में इस्कॉन टेम्पल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था आई थिंक टू थाउजेंड एट की बात है एफ आई एम नॉट रॉन्ग एट नाइन ऐसे की बात mm -hmm. है पहली बारी जब वो न्यूज़पेपर में आया दिल्ली में छपा hmm. वो था आई थिंक तीन या पाँच या सात दिन बाद पेज थ्री थर्ड पेज पे एक छोटा सा एक था बॉम्ब ब्लास्ट इन इस्कॉन इम्फाल बच्चे मरे थे जो रासलीला आ, कर रहे थे अच्छा तीसरे पेज पे छापा गया उसे पेज वो, वो भी वो पहले दिन नहीं कई दिनों दिन बाद यू नो तो मतलब हमारा मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस इसीलिए मैंने पता आपको इसीलिए मैंने आपको चिकन नेक बोला अरे देर इज ए रीजन मतलब मैंने नोटिस किया जर्नलिज्म की दुनिया में भी डिस्टेंस है क्योंकि वहाँ हेड ही नहीं होते थे हाँ वहाँ के आ, वहाँ के जो यू नो जो सब्जेक्ट्स थे जो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था सब कुछ इतना सेंट्रलाइज था यू नो बट क्या होता है जब पॉलिटिकल विल होता है यू नो तब चीज़ें बदलना चालू होती हैं अब आप, आपको मैं बताऊ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में इतना इंटरेस्ट क्यों है हमारा hmm. क्योंकि यू नो वेस्ट का इंटरेस्ट था hmm. पाकिस्तान में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में क्यों नहीं है ऑफ बॉर्डर्स वी शेयर ओनली उसके बाद यू नो अपना बांग्लादेश का बॉर्डर hmm. है यू you नो know, हम लोग इनके के बारे में बात दिसम्पेक्ट so, हमने नॉर्थ ईस्ट पे क्यों नहीं ध्यान दिया ये तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिकली जियोग्राफिकली

मेरे अभी एक मणिपुर के दोस्त है मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनने आ, प्रिंस नरेंद्र जीत के ऊपर लिखा है जो काला पानी गए थे बिकॉज़ ही फॉर द स्ट्रगल ऑफ से और ऐसे तो कितने हैं रानी गैडलू रानी okay? गैडलू सोलह साल की लड़की लाइफ इन प्रिजनमेंट उसे दिया गया था बिकॉज शी फॉट अगेंस्ट कलोनियल रूल रानी रानी गैडलू हाँ लिटरली लाइफ में पहली बार नाम सुना है यू you नो know, बहुत बहुत ही मेहनत से जो यू you नो know, uh, जो लोग वहाँ गए हैं हमारे वनवासी कल्याण आश्रम यू नो ऑर्गेनाइजेश लाइक दिस उनने बहुत मेहनत से ये ये कैरेक्टर्स को मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश की है और अब आना चालू हुआ है मगर फिर भी बहुत हमारे फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अक्रॉस द कंट्री विल नॉट नो अबाउट दैम सोलह साल की उम्र में टू यू नो फाइट मैं जस्ट मैं वही इमेजिंग सोलह साल में तो ये भी नहीं पता था कि मैं मतलब दिन भर यही चिंता रहती थी बैठ लेके खेलने जाना है करेक्ट एग्जैक्टली exactly, इसके अलावा ऐसे you know, तो, तो इतने हैं मतलब मैं तो लछत पौर है मतलब मैं डायम डे सकती हूँ मगर मतलब पॉइंट हम किसी को भी नहीं जानते हमने उनको उनका ड्यू नहीं दिया है यू you नो know, और ड्यू रिकग्निशन से ही आता है चलिए अब आज ये चीज में एक चीज़ हम लोग करते हैं कि ये जो सेक्टर है पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट का इंडिपेंडेंस की लड़ाई में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो योगदान है जो ऐसी हिडन स्टोरीज है हम लोग एक पॉडकास्ट इसके ऊपर इन फ्यूचर करेंगे यू you नो know, वैसे भी ताकि लोगों तक स्टोरीज पहुंचे आप ये पॉडकास्ट नॉर्थ ईस्ट पे कर रहे हो आपको पता है मेरा शेड्यूल कैसा था द रीजन आई आई मेड मैं मैं कल बजे बजे वापस दिल्ली की मैंने फ्लाइट ली ये पॉडकास्ट करने को क्योंकि मेरे को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करना इतना जरूरी है एंड यू नो नॉन नॉर्थ ईस्टर्न को नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है एटलीस्ट मतलब मैंने अभी कल ही मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला कि यार नॉर्थ हम लोग जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं हम लोग पाकिस्तान के बारे में नॉर्थ से ज़्यादा जानते करेक्ट आपके यू नो लिंग्विस्टिकली रिच डाइवर्सिटी एट इट्स बेस्ट दो हजार चौदह के बाद ये हुआ है। हाँ मैं एक वही पूछना चाह रहा है कि क्या बदलाव महसूस रूट लेवल पे आपको बदलाव महसूस हो रहा है देखिए जब मैं, मैं मेरा जितना रिसर्च है वो फील्ड बेस्ड है हाँ तो मैं वहाँ दो साल रही हूँ मैं कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में यू नो आई यूज टू गो है क्योंकि मेरा मेरा क्वेश्चन था hmm. कि ए हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी हमारी मेन स्ट्रीम आइडेंटिटी से क्यों अलग देखी जाती है नंबर hmm. टू ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा मास कन्वर्जन हुआ है वहाँ कंसिडरिंग इतने यू नो पर्सनैलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं यू नो इन कम्यूनिटीज़ की आइडेंटिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कन्वर्जन कैसे हुआ एंड नंबर थ्री ये इंसर्जेंसी कैसे आया क्योंकि जब मैं छोटी थी जैसे हमने डिस्कस किया नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर माना जाता था इंसर्जेंसी uh, रिडन माना जाता था सब जानते थे उल्फा hmm. के बारे में नो you know, मतलब किसी को पता नहीं था उल्फा है क्या मगर खोफ, जानते बिगर तो ऑर्गे था, था, hmm. तो और एसम एक बड़ा राज्य था यू hmm. नो you know, तो हम जानते थे बट देर वो मेनी अदर स्मॉल अदर इंसर्जेंट लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंट ग्रुप नॉर्थ ईस्ट से निकला तो ये सब मेरे को लगता था कि ऐसा क्यों है वहाँ इतना वो है ऐसा क्यों है कि आई एज ए सिक्सटीन ईयर हो दिल्ली में मेरे को जहाँ जाना है मैं जा सकती हूँ यू नो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसा क्यों है कि वहाँ सेम ऑपर्चुनिटीज ये मेरे को जब मैं छोटी होती थी ये बेसिक क्वेश्चंस बच्चों बच्चों के जैसे क्वेश्चंस होते हैं पूछ पूछ किया आपको क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस ने पूछ किया मैंने आई रियलाइज्ड क्यों ना तो रास्ते थे Hmm. ना तो एयर कनेक्टिविटी थी मतलब गुवाहाटी क्योंकि गुवाहाटी को एंट्रेंस माना जाता था ऑफ द नॉर्थ ईस्ट तो वहाँ सबसे ज्यादा था सबसे आ, पहचाना हुआ जगह भी आसाम था यू नो नो बडी न्यू मच अबाउट मणिपुर मिजोराम के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे नागालैंड त्रिपुरा यू you नो know, मेघालय अरुणाचल काफ़ी जगह ऐसे थे जहाँ एयर कनेक्टिविटी नहीं थी आपको वाया वाया करके फ्लाइट लेनी पड़ती थी बड़े महंगे होते थे hmm. और रहने के जगह नहीं होती थे यू you नो know, बहुत रिमोट था uh, मेरे को याद है एक जगह में गई थी अप इन hills, वहाँ मेरे पास वोडा फोन भी था और एक और कुछ दो फ़ोन थे एक और कुछ सप्लाया था आई फिगेट वि वोडा फोन था एक और था मगर uh, नहीं चलते थे बी एस एन एल की कहीं कहीं कनेक्टिविटी आती थी वो मेरे पास नेटवर्क था नहीं तो वहाँ जाके मेरे को हर तीन दिन Uh, मेरे को मार्केट एरिया में जाना पड़ता था वो नीचे था वहाँ एस फ़ोन मम्मी को लगाना पड़ता था और आप सोचो मैं तो आई एम टेलिंग यू माई पेरेंट्स एट द हार्ट ऑफ स्टीज क्योंकि तीन तीन दिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे uh, मेरे को याद है uh, नागालैंड में इतना एक्सट्रॉशन होता था कि एक एक दुकानदार के पास पाँच पाँच छः छः सात सात

यू नो एक्सटर्स एक्सटर्नल एजेंसीज ने मनीपुलेट किया और ससेशनिस्ट uh, मूवमेंट्स so, बनी आउटकम रहा कि सेशनिस्ट की हम अलग हैं हमारी आइडेंटिटी है, है, अलग है यू you नो know, मगर आइडेंटिटी वॉज नॉट बेसज आइडेंटिटी अब आप देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ टू थाउजेंड फोर्टीन में पहला जो अग्रीमेंट साइन हुआ था मेजर अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंसर्जन ग्रुप वॉज एन एस सी एन आई एम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में hmm. uh,

आपको हल्का सा करेक्ट करूंगी लड़ रहे थे लड़ रहे थे हाँ, exactly, लड़ रहे थे पॉलिटिकल विल हैज चेंज्ड एवरीथिंग 2014 से पहले हो रहा था उसके बाद में सब बदल गया 2014 में एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई कि वी हैव टू लुक टुवर्ड्स आवर ईस्ट फॉर आवर नेचुरल यहाँ एक, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा आपने ज़मीन पे काम किया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना ये एक इस एक्ट ईस्ट जो दिख रहा है। मैं आपको बता रही हूँ जब मैं 2015 में जाती थी ऐसा कनेक्टिविटी होता था एयर कनेक्टिविटी नहीं था हुँ। रेल कनेक्टिविटी नहीं था इंडस्ट्री नहीं थी कोई आना नहीं चाहता था क्योंकि इंसर्जेंसी थी आप आप क्या कहीं जाके फैक्ट्री लगाओगे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है मेरे को याद है आसाम में सीमेंट फैक्ट्रीज होती थी काफी मारवाड़ीज और कैलकटा से बिजनेस मैन वहाँ इन्वेस्ट करते थे और सालों साल हो जाते थे वो अपनी फैक्ट्री नहीं जा पाते थे यू नो एक्सट्रॉशन के केसेस होते थे जैसे मैं कह रही थी एक एक दुकानदार के पास पांच-पांच एक्सट्रॉशन स्लिप्स आते थे इतना तक कि नागालैंड में तो एक आ, मैं नाम नहीं लूँगी मगर एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना था अगेंस्ट

आप एक यूनाइटेड टैक्स जीएसटी कर दो आप यू you नो know? <laughs> <laughs> तो ये उनका आस्क था था ऐसा भी नहीं था, मतलब वो इतना मेंटली दूर चले गए थे कि दे सेइंग यार बंद करो ये ये हाँ, मैं वही सोच रहा पता माइंड में भी नहीं आया चीज जीएसटी कर दो हाँ, वो वो

उसको फाइट हो रही थी 2014 से पहले तक हथियार उठा के लड़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर और फिर भी गवर्नमेंट्स ने नहीं किया इंसर्जेंसी क्यों नहीं आप पीस अग्रीमेंट ला सके जो छ महीने के अंदर जो अग्रीमेंट साइन हुआ एन एस सी एन आई एम में सत्तर साल से चल रहा था क्यों नहीं आपसे हुआ विल की कमी पॉलिटिकल विल की political कमी थी पॉलिटिकल विल चेंजेस एवरीथिंग यू नो मेरे को याद है इंफाल भी जाते थे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्लाइट होती थी यू you नो know, नौ से अब सत्रह एयरपोर्ट्स हो गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है देखिए मैं आई विटनेस अकाउंट दे रही। आ, एक, वही मैं यू नो क्योंकि आप जमीन पे घूमे हो ना वहां पे कि यू नो आई रिमेंबर कि रोड टैक्स होता था hmm. ट्रक से बसेस से इंसर्जेंट ग्रुप्स रोड टैक्स लेती थी थप्पा मार थप्पा मार की नागालैंड फॉर क्राइस्ट इनका स्लोगन होता था सो इनसर्जेंसी एनएससी एनआईएम की जो हम नागालैंड फॉर क्राइस्ट ये एनएससीएन की जो बात कर रहे हैं अह hmm. ये कंसर्जेंट ग्रुप थी दैट वांटेड ऑल ऑफ नागालैंड पार्ट्स ऑफ असम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश पार्ट्स ऑफ मणिपुर और ये एक ऐसा स्ट्रिप बनाना चाह रही थी हां जो इंडिपेंडेंट कंट्री होएगा जिसका नाम होएगा नागालैंड उसका सिंबल होएगा नागालैंड फॉर क्राइस्ट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में यहाँ पे आ रहा है जैसे क्रिश्चियन रिलीजन है भाई मिशनरीज वहाँ पे कन्वर्ट करने का काम कर रही है और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ यह भी एक रोल प्ले कर रहा है लेकिन जैसे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही क्रिश्चियनिटी है इंडिया में गोवा में हमको क्रिश्चियंस मिल जाएंगे बहुत सही जगह और अच्छे खासे लेवल पे अच्छे खासे तादाद में क्रिश्चियन तो यहाँ हम लोगों को कॉन्फ्लिक्स नहीं दिखते और वहाँ ये वहाँ भी अपने लेवल पे कॉन्फ्लिक्स दिखते हैं मगर दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन यू नो कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है जो इतना स्पेशल है दैट यू सी इस लेवल का इंसर्जेंसी या हम देखते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये आपका इट्स लाइक द गोल्डन गेट टू साउथ ईस्ट एशिया ओके यू you नो know, हम हमने ग्रेट गेम वेस्ट देखा है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में खेला गया है वेस्टर्न पावर्स वेस्टेड इंटरेस्ट यू नो इंसर्जेंसी टेररिज्म ड्रग्स पॉपी कल्टिवेशन ओपियम क्या क्या नहीं हुआ है राइट hmm. right? अब यहाँ हम नया गेम देख रहे हैं और okay. ये कोई नया गेम नहीं है ये पुराना गेम है मगर अब और कॉम्प्लिकेटेड सी हाँ, जब ब्रिटिश नॉर्थ uh, ईस्ट में आए इनको पता था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का वैल्यू mm. इनको पता था ये मिनरल रिच है mm. ये एरिया mm. uh, ये एरिया टिम्बर रिच है सी जब कलोनियल uh, ऐसा आए ये बहुत इनडेप uh, बात है इसमें मैं जाऊंगी नहीं मगर आई जस्ट टच अपॉन इट शिप बिल्डिंग वॉज अ मेजर ऑक्यूपेशन दे नीडेड शिप्स शिप बिल्डिंग के लिए आपको टिम्बर चाहिए था लकड़ी हाँ, चाहिए mm. थी म्यांमार यू नो दीज एरियाज वो फेमस फॉर इट यू नो तो फॉरेस्ट टैक्स भी लाए थे यू नो ताकि ये लोग फॉरेस्ट रिजर्व कर सके एक्सेप्ट फॉर यूज़ ब्रिटिश यूज इसमें भी काफ़ी लाइवलीहुड ट्राइबल्स का गया बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ ट्राइबल्स लिव्ड ऑफ द फॉरेस्ट यू नो मगर दैट इज़ अनादर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू उसको साइड पर रखते हुए दे रियलाइज कि इसका वैल्यू क्या है नंबर टू दे रियलाइज कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर इज अ नेचुरल फ्रंटियर अगेंस्ट चाइना उस टाइम भी चाइना के साथ कॉम्पिटिशन था तो जब ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे इंडिया इनके पास ये आइडिया भी था कोपलन प्लान करके क्राउन कॉलोनी प्लान करके बोलते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्ट रूल में रखेंगे इंडिया को छोड़ देंगे हाँ। मगर नॉर्थ ईस्ट को हम क्राउन कॉलोनी बना के रखेंगे लकली ये प्लान काम नहीं किया ऑस्ट्रेलिया और, और ये। मगर इसमें इनका ज्यादा इंटरफेरेंस रहता कन्वर्जन you know, भी ज़्यादा रहता है इसलिए इन्हने बहुत एक तौर तरीके से कन्वर्जन भी चालू किया okay. जैसे मैंने कहा कि इन लाइन परमेंट लगाया अब एटीन थर्टीन का एक चार्टर एक्ट है जो ब्रिटिश ने निकाला था पहले कन्वर्जन वॉज नॉट अलाउड क्योंकि यू you नो know, मैंने आपको कहा कि पॉपुलेशन बैक होम हाँ. आ, दे व नॉट हैपी की आप दूसरे देशों में जा हाँ, hmm. uh, in hmm. 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 uh, मगर एटीन थर्टीन चार्टर एक्ट के बाद ये लीगल हो गया था मिशनरीज कामे आप तो जैसे नागालैंड वाले जैसे जगहों में uh, साधु संत नहीं जा पाते थे मगर मिशनरी जा पाता था तो मिशनरी जा पाता था मिशनरीज ने मल्टीपल रीजंस uh, थे जो ने यू नो दे मैनेज टू गो इन आसान नहीं था पहले कई साल तो उनको ये एक आदमी नहीं कन्वर्ट हुआ उसके बाद उन्होंने ग्राउंड तैयार किया ना ग्राउंड बहुत बढ़िया तैयार हाँ। किया मैंने कई ओरिजिनल किताबें पढ़ी हैं डायरीज पढ़ी हैं काफ़ी मिशनरीज डायरी रखते थे यू you नो know, और एक मिशनरी है जो देर द सेकेंड मिशनरीज टू गो इन डॉक्टर क्लार्क इंड मेरी क्लार्क पी डब्ल्यू क्लॉक तो उनकी वाइफ ने डायरी रखी थी ओके okay. और वो कहीं कहीं अभी भी अवेलेबल है उस डायरी में लिखा है कैसे उनका पहला नागा के साथ इनकाउंटर हुआज एक ट्राइब नहीं थी ओके okay. वो सोलह प्लस थी अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग लैंग्वेज okay. मगर विसिनिटी में जोग्राफिकल एरिया में रहती थी इंटरबोरिंग भी थी कहीं एक दूसरे के साथ लड़ाई होती हुँ। थी ऐसे भी थे Uh, कई में फेमियारिटी भी थी hmm. मगर दे वर नॉट वन होमोजेनस ट्राइब। ये hmm. जो नागा वर्ड है अभी भी अगर आप uh, किसी uh, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जो uh, टाइम के लोग हैं उनसे पूछो आप अपने आप को नागा बुलाते थे कहते थे नहीं वो अपने आप को अपने ट्राइब के नाम से बुलाते थे आओ ओके यू नो यू नो अलग अलग ट्राइब के नाम होते थे यू you नो know, तो लोथाज यू नो तो वो अपने ट्राइब के नाम से बुलाते थे उनका ड्रेस भी अलग होता था वीव भी अलग होता था तो ऐसे काफ़ी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स होते थे लैंग्वेज भी अलग होता था hmm. तो जब ये लोग गए ये लोग को इतने इजली एक्सेस नहीं मिला मगर धीरे धीरे इनके पास दवाइयाँ होती थी hmm. एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक मैनीटर शेर था या यू नो वाइल्ड एनिमल लाइक जो अटैक hmm. कर रहा था हाँ हा, हा, ऐसा कुछ था आई एम फॉर इन्हने अपनी बंदूक निकाली लि, उसमें ट्रैंक्यूलाइजर डाला और मारा हाँ। तो बेचारे उनने देखा नहीं था तो वो बड़े खुश हो गए उन्होंने कहा ये तो भगवान की देन है ओके यू नो फिर ये लोग प्रिंटिंग प्रेस लाए प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी बिकॉज इन्हें पहले एक लैंग्वेज बनाया हाँ जिसमें एसमीज था लोकल लैंग्वेज डायलैक्ट थे ये पहले लैंग्वेज सबको सिखाया सब ट्राइब्स को हाँ ना इंग्लिश नहीं मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज बनाई हाँ Okay. ज़ कहते हैं तो वो सबको सिखाया हाँ। वो एक बार ही सिखाया तो प्रिंटिंग प्रेस से उनने बाइबल प्रिंट किया अच्छा वो फिर बांटना इसी हो गया तो पहला किताब जो उनने पढ़ा वॉज द बाइबल यू नो तो ऐसे मल्टीपल मल्टीपल बेस थे तो जैसे okay. मैंने कहा कि मेडिसिन था आउटरीच था एजुकेशन था यू you नो know, उसके बाद ये यू नो हैंडिंग द बाइबल था यू you नो know, फिर uh, हम वेस्टर्नाइज हैं hmm. हम हिंदू से अलग हैं और प्लस साथ ही साथ रहा कह कसर हमारी गवर्नमेंट पूरी कर रही थी वो उन्होंने इनको डिस्टेंस रख रखा था छोड़ी नहीं आ, और डिस्टेंस रख रखा था और इधर ये कर रहे थे तो ये कर रहे थे ओके यू नो तो एंड uh, जैसे मैंने कहा ये गलत फहमी तो हो ही गई कि बीइंग एडवांस्ड मींस बीइंग वेस्टर्नाइज्ड बीइंग मॉडर्न मींस ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही तो जब नागास को कन्वर्ट करना चालू किया सूट टाई वेस्टर्न लिविंग सिखाया यू नो तो ऐसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुआ यू नो यस ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं द नागास कैन आर्ग्यू दिस दैट भाई हमने खुद चूज किया hmm. हमारे ऊपर फॉर्स नहीं किया गया यू you नो know, ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि आ, हमारे पास था क्या hmm. हमारी तो देखभाल कोई नहीं कर रहा था न एग्जैक्टली exactly, exactly. ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई डेवलपमेंट नहीं कैसे? मिल रहा था कुछ भी नहीं मिल रहा okay, था उनको हम्म hmm. ये भी कह सकते हैं यू नो चाहे हमारी कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हो ही सकती है कि आप हमें क्या दे रहे थे एग्जैक्टली exactly, अगर सत्तर मतलब और ये कोई गलत आर्ग्यूमेंट भी नहीं है सत्तर साल कोई आदमी ने वेट किया है तो इससे ज़्यादा ये बहुत लंबा समय होता है इंतजार का करेक्ट प्लस आप तो खुद ही आप कहते हो हम यू नो वी आर फ्रॉम द सेम सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी मगर आप हमको कैसे देखते हो यहाँ मेरा सवाल यह है कि आज 2014 से आज जो साल हो गए हैं जो जमीन पे बदलाव हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है डेवलपमेंट मिला है अब नॉर्थ ईस्ट के आम लोग वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो रेस्ट ऑफ इंडिया को कैसे देखती है का, मैं भी जब जाती थी हुँ. मेरे को भी वो लोग दिज मीज़ दर आप बाहर से आए हो hmm. आप क्या समझोगे hmm. आप नहीं समझ पाओगे hmm. आप भाषा नहीं जानते हो आप कल्चर नहीं जानते hmm. हो एक उनका भी इनवर्ड लुकिंग हो गया एक हॉस्टिलिटी हो गई यू नो एंड वो उनकी गलती नहीं है यू you नो know, जब यहाँ आते हैं यू you नो know, बेंगलोर में कितने बच्चे हैं दिल्ली में कितने बच्चे हैं उनको रेशल प्रोफाइलिंग होती है एग्जैक्टली hmm. exactly होती है हमने कोविड टाइम में भी देखा okay. था अनाब शनाप बातें करते हैं लोग कहते हैं चिंकी है ये है वो है यू नो जबकि ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं है जैसे मैंने कहा अगर यू you नो know, गंधारी वहाँ की है रुक्मणी यू you नो know, इज फ्रॉम अरुणाचल और औचित्र अगर ये हम मानते हैं माँचते ही अगर <laughs> क्या अर्जुन ने ये देखा था क्या बात है यू you नो know, तो ये हमारा कल्चर नहीं है यू you नो know, मगर ये रेस हमने जो अडॉप्ट कर लिया है अगर हम लोग रामायण को ही पढ़ने जाए मतलब वे तो डीपली नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन कि मोटा मोटा भी अगर हम लोग पढ़े तो राम भगवान नॉर्थ से बिलोंग करते थे है ना, ना? साउथ में लड़ने के लिए मतलब साउथ में वो गए अपने Correct. और वहाँ पे जो सुग्रीव नाम का जो साउथ का ही है ना सुग्रीव साउथ में ही थे Correct. Correct. है ना जान न पहचान उस आदमी ने मदद करी सब कुछ किया तो वहाँ तो हमारे बीच में तो कभी ये था ही नहीं रेस और यह सब कुछ नए लेंसेज है सो so, जैसे हम चश्मे पहनते हैं ना हाँ, अलग है? अलग लेंस हम पहन रहे हैं हाँ, हम पहले रेस का uh, लेंस मैं तो कहूँ आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द फैक्ट दैट इंटर मल्टी कल्चरल फैमिलीज क्रिएट फॉर स्ट्रॉन्गर नेशन यू नो ये जो हमने कहा है कि अरे हम uh, हरियाणा के हैं तो हरियाणा की लड़की से शादी करेंगे हम यहाँ के यहीं के लड़के से शादी करेंगे नेसेसरी नहीं है यू you नो know, ये जो ये जो एक्सचेंज होता है दिस क्रिएट्स बॉन्ड कल्चर you know, समझने को मिलता है कल्चर समझने को मिलता है यू you नो know, ये जो लेंसेज हमने लगाई हुई हैं हट जाएंगे ये हट जाती है और सब लोग सेम ही चीज़ कर रहे हैं मगर अपने खुद के वे से वाई शुड बी नॉट बी एक्सेप्टिंग ऑफ दैट यू नो तो मेरे लिए तो दिस इज अ ग्रेट बाइंडिंग फोर्स एंड ये हमारे सिविलाइजेशन में हुआ है हमारे इतिहास में हुआ है हमारे एपिक्स में हमारे ग्रंथ में इसकी बातें हुई हैं तो हम वेन वी आर सो प्राउड ऑफ आर सिविलाइजेशन वाई शुड वी नॉट एम्यूलेटेड हम उसको क्यों नहीं कॉपी करें यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो होना बंद हो गया जब मैं वहाँ जाती थी मेरे को भी ऐसे देखते थे कि आप बाहर से आए हो आप क्या समझोगे इतने इजिली आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपको थ्रेट तो नहीं हुआ? मतलब इनिशियल uh, लेवल uh, पे नहीं यू हैव टू बी केयरफुल अगर आप कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में जा रहे हो ससेशनस्ट मूवमेंट्स है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है आर्म्ड लोग हैं थोड़ा तो डर लगे गई और यू नो मगर यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ टाइम लगता है फील्ड वर्क टाइम लगता है यू you नो know, ऐसा नहीं है कि एक ट्रिप मारा हाँ हो गया और अब तो अपना अपन फील होता होगा आपको अब तो मतलब मेरे जो दोस्त बने हैं दे लाइक फैमिली फैमिली हाँ एग्जैक्टली exactly. यू you नो know, वो मेरे को अलग तरीके से नहीं देखते मैं उन्हें कि मैं तो कभी देखती नहीं थी यू you नो know, तो uh, मेरे लिए तो वो दैट uh, वॉज नोगो कि यू नो मेरे लिए तो एवरीबडी वाज द सेम अ पार्ट ऑफ माय सिविलाइजेशन अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज सिंपल शब्दों में अगर हम लोग इसको समझ, uh, समझना चाहें तो पंद्रह साल पहले आप गए थे आपको लेके लोगों का नज़रिया बदल गया नॉर्थ ईस्ट के लोगों का आज नज़रिया बदल गया साल 2014 के बाद से हम लोगों ने पॉलिसीज चेंज करी गवर्नमेंट लेवल पे नॉर्थ ईस्ट को लेके तो आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों का रेस्ट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को देखने का नजरिया भी बदल गया होगा ऑफ कोर्स बदला है सी इसमें अगेन ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है कई लोग होते हैं जो अपने वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में अटके रहते हैं यू hmm. नो you know, उनको ऐसा लगता है कि अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इग्नोर कर रही है अरे वी आर नॉट ट्रीटेड एज वन यू नो भूल जाते हैं यू you नो know, हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है यू नो कई लोगों को याद भी नहीं रहता है कि 2014 के पहले कंडीशन कैसी थी मैंने खुद अपने आंखों से देखा है जहाँ जा, जहाँ एक रेस्टोरेंट नहीं मिलता था खाने को यू mm नो -hmm. you know, अब बच्चे वापस आ रहे हैं एंड अपने न्यू आइडियाज दे के रेस्टोर सेटअप कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं काटेज इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं और अपने ही जो ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट कुजीन है उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं mm. हमने अब हम नॉर्थ ईस्टर्न क्वजीन के बारे में सोच सुनते हैं, सुनते हैं। हम पंद्रह साल पहले सुनते नहीं हैं। सुनते वही खाने को नहीं मिलता था नहीं। मैं वही मैं, हाँ, मैं वही सोचता हूँ कभी कभी हम लोगों ने कश्मीर के खाने के बारे में सुना है साउथ के साउथ uh, का मसाला डोसा ऑल ओवर इंडिया फेमस है पंजाब का पनीर ऑल ओवर इंडिया फेमस है राजस्थान हाँ राजस्थान की वही मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में हमको दाल बाटी सब जगह मिल जाएगी नॉर्थ का कुछ भी कुछ, भी कुछ भी भी ना किसी को पता है नहीं मगर यू you नो know, मैं कह रही हूँ कि दो हजार चौदह के बाद जब सी इंसर्जेंसी पीस ये सब जब आता है तो ना तब ऑटोमेटिकली आपका uh, आपकी चीजें बदलनी चालू हो जाती हैं आपका इंडस्ट्री आता है इन्वेस्टमेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर आता है यू you नो know, जब तक पीस नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं आ पाएगा हाँ एग्जैक्टली exactly. मुझे ना? लगता है ये जो uh, यूट्यूबर्स हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं मेरे को लगता है इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं हेल्प करी है ऑफ कोर्स सी जितना एडवर्टीजमेंट मिले हाँ जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़े दैट इज़ अ गुड थिंग एक ही चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि um, क्योंकि ये रीजन है हुँ. ये एक स्टेट नहीं है तो ये एक कम्युनिटी नहीं हाँ. है कि ये आप है ना बस पांच छह पदने पढ़ के आप इसके बारे में बात क्योंकि बात नहीं कर सकते क्योंकि यू विल कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस यू you नो know, uh, इसको हमें बहुत सेंसिबली uh, हैंडल करना पड़ता है यू you नो know, ऐसे ऐसे डायलॉग्स को बिकॉज आप सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते हो इंसर्जेंसी ये चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हो यू नो आइडेंटिटी को आप ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो अगर आपकी समझ नहीं हो आप दूसरे आदमी को ऐसे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो जानता नहीं है मगर यू नो ही इज़ पासिंग अ जजमेंट ऑन अस यू नो मगर ये दोनों साइड लेट मी बी क्लियर यू नो हमारे तरफ से भी गलती हुई है और क्योंकि हमारे तरफ से गलती हुई है उनको बी दे ऑल्सो ट्रीट आस लाइक एलियंस यू नो तो ये दोनों साइड का बोथ साइड हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन कंट्री हमारी आइडेंटिटी डजन ने कम मैं गुजराती हूँ यू नो आप पंजाबी हो आप यू नो यहाँ के हो वहाँ के हो उससे आइडेंटिटी नहीं आती है टुडे यूर एन इंडियन आपका पासपोर्ट इंडियन है वहाँ से आइडेंटिटी आती है okay. अच्छा अब यहाँ पे अपने हैंडलिंग की बात कही कि हम लोगों को केयरफुली मणिपुर में क्यों हैंडल नहीं हो रहा है क्या हो रहा है वहाँ पे देखिए मणिपुर के बारे में तो काफी बात हो चुकी है मैंने काफी सारे टॉक्स दिए हैं बहुत इसीलिए मणिपुर मणिपुर से इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यू नो इसमें कुकीज हैं कुकीज के अंदर भी बहुत अंडर मल्टीपल मल्टीपल ट्राइब्स हैं ऐसा नहीं है कि कुकी एक इट्स एन अम्ब्रेला टर्म यू you नो know, उसके अंडर भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनके लैंग्वेज से नहीं हाँ मगर आ, एक जनरल कनेक्शन है जो खाली मणिपुर में नहीं है मीज़ोराम में भी है कुकीस का एंड देन अक्रॉस द बॉर्डर म्यांमार में भी है देखिए बॉर्डर्स तो ऐसे ही खींचे गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि कम्यूनिटीज एग्जैक्ट में बाइफकेट हुई हैं कई ट्रांस नैशनलिक कम्यूनिटीज़ हैं यू नो उसके बाद नई हैं जो डामिनेंट एक आप तरीके से कह सकते हो क्योंकि मेजॉरिटी है मगर मजोरिटी माइनॉरिटी मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता है मणिपुर में क्योंकि मेरे लिए माइनॉरिटी होएगा जो एक परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट हो यू hmm, नो hmm, hmm. you know, hmm. अगर ट्राइबल कम्युनिटी मणिपुर की यू नो पैंतीस परसेंट है यू <laughs> नो you know, तो आई अ माइनॉरिटी यू नो मगर मैथीज को कई लोग मेजॉरिटी मानते हैं hmm. um, मैथीज वैली में बेस्ड है hmm. यू you नो know, एक लैंड एक्ट निकला था यू नो जिससे वो कन्फाइंड हो गए वैली में विच इज़ टेन परसेंट ऑफ द लैंड एंड एक्चुअली टेन परसेंट भी नहीं है उसको वुड से छः सात परसेंट से ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें से आप लोग लेक्स you know, like, निकाल दो वाटर बॉडीज निकाल दो इन्फ्रास्ट्रक्चर निकाल दो यू you नो know, तो कम ही होएगा mm. uh, उसमें नाइन्टी परसेंट ऑफ दू नो पॉपुलेशन हैली एरिया ज़्यादा डिवेलप नहीं है mm. तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है हुँ. अब इसमें अगेन मल्टीपल प्रॉब्लम्स है एक लेंस से तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख सकते नहीं मतलब मेरा ये, ये मेरे को थोड़ा सा ये समझने की जरूरत तो है कॉन्फ्लिक्ट तो कॉम्प्लिकेटेड है ना ये तो समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को इतना समय क्यों लग रहा है मतलब कहाँ कमी रह रही है मेरे ये समझ में नहीं आ रहा देखिए यू नो हर प्रॉब्लम मतलब एक चीज एक चीज यहाँ पे ये है कि ये कोई कॉन्फ्लिक्ट आज का तो है नहीं ये जो हम लोग बात कर रहे हैं रिलीजन लैंग्वेज कल्चर जो डाइवर्सिटी है इनके वजह से डिस्प्यूट्स भी होते हैं भाई ये कोई आज तो एकदम आए नहीं सालों से बट ये ऑल ऑफ द सडन ये खड़ा होना और फिर कंट्रोल ना होना इसके पीछे का See, two, so, haan, so Again, एक रीज़न नहीं है कभी hmm. भी कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न नहीं होता स्पेशली जब ऐसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती हैं यू नो एथनिसिटीज़ अलग हैं ट्राइबल कम्यूनिटीज़ हैं नॉन ट्राइबल कम्यूनिटीज़ हैं यू नो तो मल्टाई लेयर्स हैं तो जो रीज़न् वो भी मल्टाई लेयर हैं एक तो है ये लैंड इशू हाँ कि मैथी को लग रहा है कि हम कन्फाइंड हैं एंड वो भी सच बात है कि बीस तीस साल बाद क्या होने वाला है mm. मैथीज़ को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए mm. जो कुकीज़ नहीं मान रहे यू नो कुकीज़ का कहना है कि हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है mm. मेथीस हमें बुली करते हैं यू नो

प्रोफेशनली uh, काम नहीं कर पाती है यू नो सो बहुत सारे रीजंस हैं मगर आप जो दूसरे रीजंस आ रहे हैं एंड दीज आर न्यू रीजंस इज डेमोग्राफिक चेंज हाँ काफी लोगों का कहना है जब से एन हुआ है आसाम में hmm. uh, ये नॉर्थ ईस्ट में चर्चा है कि यू नो जहाँ डेमोग्राफिक चेंज लग रहा है वहाँ भी होएगा तो मणिपुर में भी शायद हो सकता है डीलिमिटेशन हो सकता है मणिपुर में ओके okay. और डीलिमिटेशन हो रहा है इसलिए डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है मे बी समबडी इज ट्राइंग टू आर्टिफिशियली क्रिएट अ डेमोग्राफिक चेंज ओके यू चेंजे एक्सटर्नल फोर्सेस अब जैसे मैंने कहा एन एस सी एन ये कोई नई बात नहीं है कि एक्सटर्नल एजेंसीज ने कॉन्फ्लिक्ट uh, में एड एंड अबेट किया है इन द नॉर्थ ईस्ट एन एस सी एन की आप बात देखिए uh, नागल एम्फोक्राइज यू नो ये कंट्री बनाना चाहते थे

आर्म्स एम्यूनेशन मनी ट्रेनिंग यू नो ये काफ़ी जगह में हुआ है आई एस आई का भी रोल रहा है त्रिपुरा में जैसे एक uh, ग्रुप है एन एल एफ़ टी एन एल एफ़ टी उस टाइम पर बांग्लादेश में ट्रेन होता था बाई आई एस आई ऑपरेटिव आई एस आई का काफ़ी इन्फल्ट्रेशन था बांग्लादेश में ंग्लादेश hmm. you know, hmm. you know, तो था ही ना यू नोन इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान तो वो उस, वो उस you know, तो कर करता था तो काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स को ट्रेन करता था यू you नो know, काफी सपोर्ट uh, मिलता था इंसर्जेंट ग्रुप्स को चाइना ने किया है यू नो सो ऐसे करके इनको एक्सटर्नल एजेंसी से सपोर्ट मिला है hmm. अब जैसे uh, एक को तो नेहरू ने ही एक स्पेल किया था कॉल्ड रेवर माइकल स्कॉट एंटाइनेशनल okay. एक्टिविटीज you know, वो मीडिएटर बना था यू नो फॉर दिस एन एस सी एन इंसर्जेंट ग्रुप का मीडिएटर बना था विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लाया गया था मगर पता चला था कि वो चाइनीज से भी बात कर रहा है ओके okay. तो वो एंटाई नेशनल एक्टिविटीज के लिए uh, जवाहरलाल नेहरू uh, हाँ यू नो ही कंट्री You know, तो ऐसे बड़े सारे influences हुए। so, तो, काफी लंबे समय से हमको पता है, कि ये है हमको पता है ये इतनी बड़ी बॉर्डर्स है hmm. एक सेंटीमीटर ऑफ फेंसिंग क्यों नहीं हुई hmm. exactly. ये बॉर्डर्स को आप मैन नहीं कर सकते हो exactly. नहीं कर ये बहुत लंबे है बहुत डेंस फॉरेस्टेड है यू नो प्लेन फेंसिंग से भी काम नहीं चलेगा यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी यू नो यू नीड फेस रिकगनेशन यू नो सो ऑन एंड सो फॉर बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए मगर फिर भी आपको चालू तो करना चाहिए था क्यों नहीं हुआ यू नो दैट इन्फिल्ट्रेशन है आसाम मेजिटेशन जब हुआ था क्यों हुआ था अगेन क्योंकि वहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन था पूरा आसाम में भी यू नो देर इज मैसिव डेमोग्राफिक चेंज यू नो ठीक है उनका डेमोग्राफिक चेंज कहीं और से आया है मणिपुर का कहीं और से आ रहा है मणिपुर का म्यांमार से आ रहा है डेमोग्राफिक hmm. चेंज तो हो रहा है एंड आ बॉर्डर कंट्रीज ये हमारा सबसे बड़ा फ्रंटियर है दिस इज अ गेट वे टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी यू नो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं कालादान मल्टा प्रोजेक्ट uh, हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट था सबसे बड़ी चीज हमारा गेटवे है ये नीचे जाने के लिए हमारा ट्राइलेट्रल हाईवे हाँ, बना हाँ, जैसे मैं कह रही हूँ कालादान मल्टा मोडल प्रोजेक्ट है जो टू म्यांमार कनेक्ट करेगा हाँ, सी पोर्ट फिर हाँ, पोर्ट एंड फिर रोड कैलका ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि यू केन नॉट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन चिकन टूमोर स्ट्रेटेजिक इशू वहां हुआ तो आपको अल्टरनेटिव रूट चाहिए राइट अब म्यांमार में जो इशू हो रहा है

मणिपुर में तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं था बस आ, रहे। आ रहे सेटल हो रहे ओके okay. अब आपको कैसे पता कौन आ रहा है इलीगल इमिग्रेशन को हमें रेफ्यूजी के साथ नहीं करना चाहिए बिल्कुल कंफ्यूज hmm. नहीं करना चाहिए यू नो रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रेफ्यूजी स्टैटस इमिग्रेशन मीन्स आपके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ hmm. कोई भी हो सकता है मिलिशिया ग्रुप्स जो वहां है hmm. ये सब आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस है ए एथनिक आर्मड ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं ईएओस हाँ दे हैव मल्टीपल एंड हर एक स्टेट में उनका जो प्रोविंसेस है उनके मल्टीपल ग्रुप्स हैं ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप है ओके यू नो तो हाउ डू यू नो कि वो नहीं आ रहा हाउ डू यू नो आर्म्स आर्मजामिनेशन वहां से नहीं आ रही है अब आपको यहाँ से मणिपुर वाला किधर जाते हुए जा जा yeah. you know, जैसे आपने पूछा गवर्नमेंट यू नहीं कर hmm. पा रही है गवर्नमेंट के नॉट बी होएगा कि अपने ही सिविलियंस के ऊपर गवर्नमेंट हैंडेड हो जाए यू नो नंबर टू ये इतना ईजी प्रॉब्लम नहीं है ये अपना सिविलियन प्रॉब्लम नहीं है यू you नो know, ये हमारे सिटीजन नहीं है ठीक mm. है कोई गिने चुने लोग होंगे जो सपोर्ट करते होंगे इलीगल इमिग्रेशन को मैं इलीगल इमिग्रेशन हमारे सिटीजन्स को इम्पैक्ट करता है यू mm. नो you know, मगर वी आर डीलिंग विद इलीगल इमिग्रेशन कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स अब म्यांमार की आप स्थिति देखिए पूरा सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है म्यांमार में यू नो मिलिट्री हिंता जो है वो सराउंड हो चुकी है mm. यू नो ऑपरेशन वन जीरो टू सेवन लॉन्च हुआ उसका सक्सेस देख के सेकेंड ऑपरेशन इलेवन ओ सेवन लॉन्च हुआ है यू hmm. नो you know, तो कुल मिला के सभी मिल गए यहाँ भी यूएस इंटरेस्ट भी है म्यांमार hmm. को सेक्रीफाइस जोन भी बोलते हैं hmm. क्योंकि म्यांमार में मिनरल्स इतने हैं और मिनरल्स जो हम डे टू डे जैसे जो मिनरल आपका लाइट आपके फोन और कंप्यूटर में जो लाइट देता है दो hmm. मिनरल्स

Uh, इसमें कोई दो राय नहीं है म्यांमार mm. की इंस्टेबिलिटी mm. बहुत बेसिक वे में मैं कहूँ तो आपका नेबरहुड का इंस्टेबिलिटी आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन हो ड्रग mm. नेक्सेस हो यू नो आर्म्स एम्यूनिशन ट्रांसफर हो यू mm. नो you know, या तो इट इज लाइक दिस पॉलिटिक्स ऑफ क्रिटिकल अर्थ मटेरियल्स यू नो तो जियोपॉलिटिक्स आ गई है इसमें तो फिर तो ऑलरेडी कॉम्पिटेट अब यूके ने यूएस ने यूरोपियन यूनियन ने सेंक्शन करे हैं डेमोक्रेसी नहीं है यू नो you know, मतलब मेरे तो इसमें व्यूज अलग ही हैं कि यूएस कौन होता है डेमोक्रेसी के बारे में बात करने नहीं, को मेरे को ये समझ नहीं आता है कतर सऊदी अरबिया

ये हो रहा है बिकॉज यू वॉन्ट टू ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक एन यू जी है हाँ जो इनकी जो गवर्नमेंट इन एक्साइल के लो उनका ऑफिस दो तीन ब्लॉक वाइट हाउस से दूर है एक मेरे माइंड में एक सवाल आया इंडियन गवर्नमेंट क्यों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं करती जो ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी को मॉनिटर करे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की जिस तरीके से यूएस वाले करते हैं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है डेमोक्रेसी को रैंकिंग देती है वहाँ रिपोर्ट पब्लिश करती है इस तरीके काम <laughs> क्योंकि हम भी एक डेमोक्रेसी और इंडिया के इलेक्शंस को ठीक है हमारे यहाँ विपक्ष बोलते रहते हैं लेकिन लीगल ग्राउंड कोई चैलेंज नहीं कर सकता हमारे इलेक्शन कमीशन इतना बढ़िया है ना और ग्लोबल लेवल पर रिकोगनाइज है तो फिर हम लोग क्यों नहीं बनाते इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को आई थिंक uh, जैसे टाइम जा रहा है इंडिया और असर्टेव हो रहा है जैसे आपने कहा रिपोर्ट्स यू नो काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्ट्स निकले हैं hmm. uh, जिसको इंडिया ने काउंटर किया है एंड आई थिंक आगे करती रहेगी सी ये आता है जब आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी गवर्नमेंट ऐसी हो जो यू नो जिसमें कॉन्फिडेंस हो confidence. जो इंटरनेशनल uh, रीना आपको सीरियसली ले यू नो एंड इंटरनेशनल रीना इज़ टेकिंग सीरियसली ना यू नो तो ऐसे काफ़ी रिपोर्ट्स आए हैं जो हमने काउंटर किए हैं हम इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर हम कम नहीं हुए हैं यू एस सी आई आर एफ का रिपोर्ट देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजस फ्रीडम यूनाइटेड स्टेट्स हमको रैंकिंग देगी दुनिया को रैंकिंग देगी कि कौन रिलीजस फ्रीडम में किस पैकिंग ऑर्डर में है हाँ तो जब ये हुआ था अह आई रिमेम्बर पहले अह uh, हम काउंटर नहीं करते थे hmm. हमने बहुत इस बार तो बहुत अच्छे से काउंटर किया ये प्रेस फ्रीडम की जो रिपोर्ट आई थी वो वेस्ट फ्रीडम का हमने काउंटर हसस हसस के पैर दुखने लगे इंडिया को इन लोगों ने पाकिस्तानी लोगों से नीचे डाल रखा है यूएसआईआरएफ ये साल ईयर बाय ईयर ईयर बाय ईयर करती थी यू hmm. नो you know, तो ए, ए, मतलब यू कैन ओनली काउंटर व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू काउंटर टुडे वी आर इन अ पोजीशन टू काउंटर जब हमें इंटरनेशनल प्रेशर या ओपिनियन के बारे में हमें यू नो हमें इम्पैक्ट नहीं होता है यू नो एंड आई थिंक आगे वैसे चलता रहेगा मगर म्यांमार इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बहुत डेंजरस सिचुएशन है कल रात की ही बात है mm. एक uh, बहुत इम्पोर्टेंट uh, टाउनशिप है पलेटवा करके यू नो पोर्ट है पलेटवा हैज फॉलन टू द मलेशिया यू नो तो हमारे अक्रॉस आवर बॉर्डर Hmm. ऐसे स्ट्रेटेजिक टाउन्स हैं hmm. जो मलेशिया कंट्रोल में आ रही हैं जो हुंटा के कंट्रोल में अब नहीं है ओके यू नो तो ये हमारे लिए बड़े सोचने की बात है कि अगर ये ऐसा सिचुएशन हुआ कि हुंटा इज नॉट इन कंट्रोल मलेशिया इन कंट्रोल हम नेगोशिएट किसके साथ करेंगे यू exactly. नो you know, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई hmm. जो अभी बड़े सारे एथनिक ग्रुप्स को मिलाकर के रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक हाँ। रोहिंग्या मिनिस्टर भी है विल दे बी ऑन आवर साइड ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला हाँ आई एम समबडी हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ डेमोक्रेसी मगर डेमोक्रेसी जब पहले फुली फंक्शनल नहीं हुई है इस देश में यू you नो know, अब हो सकती है क्या पहले भी जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी सब एथनिक ग्रुप्स के एस्पिरेशंस कुड इट टेक अंडर कंट्रोल नहीं रोहिंग्या सिचुएशन कब हुआ था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ सो you know, so, uh, ये सब हमारे सोचने की बात है मैन यू नो आई वुड विश फॉर अ रोबास डेमोक्रेटिक सिस्टम टू कम इन मगर हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इतना वेस्टेड इंटरेस्ट है इतना जियो है, है जैसे आपने कहा hmm. होने देगा कि नहीं और आप ये भी सोचिए कि सैंक्शंस यूएस लगा रही है hmm. sanctions यू uh, के और यूरोप लगा रही है आप hmm. हुटा किसके तरफ जाएगी hmm. हुटा चाइना के तरफ जाएगी एग्जैक्टली फोर्टी परसेंट ऑफ द डेट ऑफ म्यांमार इज ओव टू चाइना डेट ट्रैप तो हमने देख लिया उस सिचुएशन में भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी दे चाइना हैज ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स यू नो जैसे हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट रिंग बोर्ड है hmm. थ्रू म्यानमार hmm. उनके लिए यूनान रिंग बोर्ड है hmm. उनके लिए भी म्यानमार उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है hmm. तो वो क्यों जाने देंगे एग्जैक्टली exactly. वो तो इतना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि वो तो दे आर नेगोशिएटिंग बिटवीन द एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशंस यू नो कोको आइलैंड्स है कोको आइलैंड्स म्यानमार ने ले रखा है व्हिच इज किलोमीटर दूर है से। मगर मगर ऐसा नहीं नहीं कि इंडियन नहीं, अलर्ट, नहीं, नहीं। इंडियन नॉट और और चीज, चीजें हो रही मेरे को जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बात करी क्योंकि जियोपोलिटिकल इंटरेस्ट इसमें आ गए हैं चाइना के इंटरेस्ट आ गए हैं यूएसए के इंटरेस्ट आ गए हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि चीजें यहाँ से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हम लोगों को नजर आएगी See, अगर uh, हुंटा का लैप्स हो गया hmm. कोई कंसेंसस होएगा hmm. कि नहीं होएगा यू नो प्रॉब्लम ये है कि बड़े सारे एथनिक ग्रुप्स हैं और उनकी एस्पिरेशंस हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंट्रोल। उनको लगता है कि डोमिनेंट जो डोमिनेंट uh, uh, बरमाज है दे कंट्रोल देम यू नो ऐसे बड़े सारे उनके इश्यूज़ हैं तो विल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम नॉट इज अ क्वेश्चन क्या प्राइस पे वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगा uh, यू नो सीनियर लीडरशिप की जो लीडरशिप है उन्होंने खुद कहा है कि म्यांमार इज एट द दर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप अगर म्यांमार टूट गया किसके लिए बेनिफिट है कैसे टूटेगा यू नो स्प्लिट कैसे होएगा हमारे एसेट्स का क्या होएगा होगा exactly. हमारा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ट्राइलेट्रल हाईवे है इनके ऑयल एंड गैस पाइप लाइन है oh, चाइना के यू नो शापशुपोर्ट है इन सब का क्या होएगा

साल 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई उस वक्त बांग्लादेश से काफ़ी रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे जो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स है क्या वहाँ से भी उसने भी इम्पेक्ट किया है इस प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में रो, रोल प्ले किया है उसने सी इट्स नॉट जस्ट दैट यू नो कंटिन्यूस इमिग्रेशन हुआ है अच्छा कंटिन्यूस इमिग्रेशन कंटिन्यूस इमिग्रेशन हुआ है इनलीगल इन लोग इनलीगल इनलीगल इमिग्रेशन एंड इनलीगल जो अब लीगल हो गया इसलिए आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था इसलिए hmm. यू नो इतना बड़ा एजिटेशन हुआ था असम में यू नो जहाँ से सम ग्रेट लीडर्स लाइक प्रफुल्ल मोहंता हुआ था अगेंस्ट लीगल इमिग्रेशन फिर उसका कंक्लूजन हुआ था कि कट ऑफ डेट देंगे यू नो जो भी उससे उसके पहले आया है यू नो एंड उसके बाद आए वैसे सेग्रीगेट करेंगे यू नो पीपल विल बी सेंट बैक यू नो इसलिए एनआरसी हुआ यू नो मगर ये एक्सरसाइजेस बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस है कॉम्प्लीकेटेड एक्सरसाइजे अब ये भी प्रॉब्लम है कि लोग जो यहाँ दो तीन जनरेशन तक रह गए हैं अब कैसे क्या ही करोगेगल इमिग्रेशन अभी भी यू नो इट्स टू थाउजेंड फोर्टीन के बाद बहुत इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस लिया है किसी को नहीं मिले जो डैमेज हो गया है वो तो हो ही गया oh, ना डेमोग्राफिक चेंज या। हो ही गया है कॉन्स्टिट्यूंसीज में कंप्लीट डेमोग्राफिक चेंज हुआ है स्पेशली आसाम में यू you नो know, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं ऐसा नहीं कि खाली आसाम है त्रिपुरा hmm. में भी हुआ है मणिपुर में भी हुआ है यू you नो know, बहुत सारे जगहों में हुआ है ऐसा नहीं कि खाली बांग्लादेश uh, uh, से हुआ है देस बिन अदर इतने कम्युनिटीज हु कम फ्रॉम म्यांमार ऑल्सो यू नो तो ये इलीगल इमिग्रेशन तो प्रॉब्लम है ही hmm. मगर विथ रिजीम चेंज विथ इंस्टेबिलिटी इन कंट्रीज जो हमारे नेबरहुड में है hmm. हमारे लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और डेंजरस हो जाता है आज अभी तो हम लोग बांग्लादेश की साइड से हाँ. थोड़ा सेफ हो गए क्योंकि रिजीम चेंज नहीं हो पाया हाँ हाँ येस um, yes. देखिए शेख हसीना जी के साथ में मुझे सकता है डील करना ईजी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए शेख हसीना जी के साथ हमारा और उनकी आवामी लीग के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है एक्चुअली uh, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है hmm. क्योंकि जितने uh, काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स बांग्लादेश से जैसे मैंने का ऑपरेट करते थे आपको नेबरहुड का भी सपोर्ट चाहिए टू कंटेन इंसर्जेंसी अगर नेबरहुड ही सपोर्ट करे इंसर्जेंसी को तो आपकी इंसर्जेंसी कभी आप है सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने uh, ये जमात को बैन किया है जमात hmm. इस्लामी को यू नो रेडिकल फोर्स है hmm. Uh, चाहे लोग शेख हसीना को क्रिटिसाइज करें ना क्रिटिसाइज करें द फैक्ट इज ब्रिंग इन अ सेक्युलर वे यू नो इस बारी के इलेक्शन भी जो लड़ा गया था वॉज फॉट ऑन कीपिंग आउट रेडिकलाइजेशन एंड क्रिएटिंग अ स्मार्ट स्मार्ट बांग्लादेश स्मार्ट एंड एवरी लेवल यू नो इकॉनमीज डन वेलो अगर हमारा नेबरहुड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहे हमारे लिए अच्छा है बेटर फिर किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं गया पड़ेगी यू नो इंसर्जेंसी इलीगल एक्टिविटीज़ ये सब कम हो जाएंगे गिरावट तो आएगी एटलीस्ट मगर ये शॉर्ट साइटेडनेस होएगा हमको सोचने में कि ये पीस विल कंटिन्यू ये इनका फिफ्थ टर्म है ओके okay. हाँ एग्जैक्टली exactly. यही सबसे बड़ी चिंता है ना कि शेख हसीना जी के बाद में कौन शेख सी कोई और भी हो एंटा इनकम्बेंसी फैक्टर होती है

इंडियन सोल्जर्स लाइफ इन द लिबरेशन वॉर उनके जितने भी डायरेक्ट डिस हैं जो भी एप्लीकेबल है उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगा बांग्लादेश में जितने इंडियन सोल्जर्स थे उनके जितने भी डायरेक्ट डिस हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा टू कम्प्लीट द एजुकेशन इतना स्वीट जेस्टर है hmm. you know, उनको याद रखना exactly. उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स मैं इवेंट में गई थी कहीं के ग्रैंड uh, पेरेंट्स थे किन के ग्रैंड अंकल थे यू नो सबको स्कॉलरशिप मिली और अच्छा बढ़िया स्कॉलरशिप सो एम कि ये रिलेशनशिप तो हमने बनाए रखा है मगर वी हैव टू डेवलप दिस रिलेशनशिप मॉर और जैसे हमने देखा है इस बारी आपने भी देखा होएगा यू एस इंटरेस्ट म्यांमार में ही नहीं है बांग्लादेश बांग्लादेश में भी है सेंक्शंस भी थे हाँ. uh, एक जोक सा बन गया था Uh, कि पीटर हास आई थिंक उनके अम्बेसडर uh, का नाम है अमेरिकन अम्बेसडर इन बांग्लादेश वो जितने बार ही गए इलेक्शन कमीशन यू नो कह रहे थे कि लग रहा है लोग लोकल लोग लोकल जो थे क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को वहाँ जानती हूँ कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि वो ही लड़ेंगे यूनो <laughs> you know, uh, तो यू नो इंटरेस्ट है इंटरफेयर नहीं 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 करने कहते, -कहते सबसे ज्यादा इंटरफेयर यूएस ने करने की कोशिश आपको करी यार, है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जब बांग्लादेश के बारे में हम सोचते हैं आपको याद रखना पड़ेगा टू प्ले वन अगेंस्ट बैलेंस रखने की कोशिश करती है जो नहीं होता है यू you नो know, एक हाथ में यू नो साइड में आप देखोगे कि इंडिया के साथ इट है स्ट्रॉगर रिलेशन मगर बाई पुटिंग सैक्शनस ऑन म्यांमार या बांग्लादेश ये नहीं देख रही है कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा वो अपने hmm. बारे में सोच रहे हैं यू hmm. नो you know, मगर उनको लगता है कि रेडिकल फोर्सेज को वो इनक्रेज करके यू you नो know, वो चाइना को कंटेन कर सकते हैं वह फिर

उट you know, uh, तो किया है ना, कर दिया hmm. था. मगर हमेशा मेरे पता है यही चलता था कि जिस दिन ये चेंज होगा उस दिन क्या होगा को वही forces, we uh, अगर कोई डिप्लोमैट बात कर रहा होता तो मगर कोई डिप्लोमैट बात कर रहा होता डिप्लोमैट कह रहा होता कि जितने भी फैक्शंस हैं हमको हर फैक्शन में इन बनाना चाहिए एग्जैक्टली exactly. हमें हर फैक्शन में चाहे कोई भी हो हमें कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए hmm. क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती कभी है।, भी। है मगर दैट इज़ अ डिप्लोमेट्स पॉइंट ऑफ व्यू यू नो अनदर पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी दैट यू नो दैट जब रजिम चेंज होएगा तब देखेंगे hmm. क्या होता है <laughs> यू नो सो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं टाइम बताएगा मगर वी हैव टू बी रेडी एंड जो भी अक्रॉस द बॉर्डर होएगा वी कैन नॉट फोरगेट कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन पर पड़ेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है हमारा गेट वे टू यू नो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है साउथ ईस्ट एशिया है यू नो अगर हमें दुनिया का बैलेंसिंग पावर बनना है तो ये गेट वे हमें खुला रखना पड़ेगा हमें आउटरीच करना पड़ेगा एंड उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा खुद का इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्टली जॉब डेवलप हो रहा करेक्ट सो आई होप ये डेवलप होते रहे बी अंडरस्टैंड बेटर एंड ये मेन स्ट्रीम हो यू hmm. नो <laughs> you know, ये आजकल क्या है अभी फ्रिंज सब्जेक्ट्स है ठीक है अभी थोड़े धीरे धीरे आए हैं मगर आ, आप पोलिटिकली देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कितना फोकस करते हैं यू you नो know, मैं सोच रहा हूँ एक एक एपिसोड अपन लोग डेडिकेटेडली डेवलपमेंट के ऊपर रखते हैं डेवलपमेंट के ऊपर आई थिंक कितने सारे फैक्ट ये बात तुम्हें को देखो लास्ट दो ढाई घंटे में हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ है ना एक तो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुआ है ना बहुत कुछ जानने को मिला क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं अगर एक आम आम भारतीय की नज़र से बोलूँ ना तो लिटरली जीरो नॉलेज के आसपास चल रहा है सभी का है ना तो बहुत जानना जरूर जानने की जरूरत है क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोग इंक्लूसिव फील नहीं करेंगे है ना और, इसके लिए नॉलेज मिलियारिटी में एग्जैक्टली वही बात है ना भाई पता आज जैसे मैं एम का हूँ चलो एम राजस्थान की तो बॉर्डर मिलती है मैं आपको बताऊँ राजस्थान महाराष्ट्र ले लो लोगों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है कैसा खाना है correct, क्या है कैसा कल्चर है फलाना ढिमकाना सब कुछ पता है सो so, जब तक इस तरीके की चीज नहीं होगी तब तक हम लोग इंक्लूसिव फील ना हम फील करेंगे ना वो फील करेंगे you know, और जब तक ये इंक्लूसिव फील नहीं होगा तब तक ये बना ही रहेगा हाँ ये एक फोल्ड लाइन बना ही रहेगा यू नो क्रिएट्स अ फीलिंग एग्जेक्टलीफ एक्सली सो नॉर्थ ईस्ट एक तो बहुत कॉम्प्लीकेटेड भी टॉपिक है exactly. और बहुत डाइवर्स एरिया है देखिए हम रीजन के बारे में हाँ, बात कर तो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक पॉडकास्ट में इसे कवर कर सकते हैं और मुझे को लगता है कि आप परमानेंट गेस्ट हो गए आप <laughs> हमारे इस पॉडकास्ट की सो आप लोग समय समय पे पॉडकास्ट uh, करते रहेंगे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर और अलग अलग एरियाज uh, अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस uh, करते रहेंगे ताकि ऑडियंस तक भी नॉलेज uh, पहुंचे सौरभ थैंक यू यू नो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आपने सोचा कि यू नो शुड बी योर फर्स्ट पॉडकास्ट मेरे लिए इट्स वेरी इम्प्रेसिव बिकॉज यही मेरे को बताता है हाउ मच थिंग्स आर चेंजिंग यू नो द वर्ल्ड इज चेंजिंग आई यूथ इज चेंजिंग हमें इंटरेस्ट है अगेन आई लाइक टू क्लैरिफाई मैं अपने आप को कभी एक्सपर्ट नहीं समझूंगी ये मेरा लाइफ लॉन्ग पैशन है यू नो टिल द डे आई डाई आई कीप स्टार्टिंग द नॉर्थ हीस्ट मेरे को जितना मैं पढ़ूंगी मेरे को लगेगा उतना कम मेरे को पता है यू नो मगर आई होप दैट वहाँ से भी हमारे में इतना इंटरेस्ट हो हमारे से भी वहाँ इतना इंटरेस्ट हो एंड दैट विल ब्रिज और जब तक आप नॉर्थ ईस्ट पे काम करते हैं तब तक मैं आपको बुलाएगा पर <laughs> परेशान करता रहूंगा <laughs> आपके I mean. साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा रहा मुझे शो पे आने के लिए बहुत बहुत यू सो मच